चेंज पासवर्ड हमने कर लिया था, फॉरगेट पासवर्ड हमने आधा कर लिया था, आधा रह गया था। तो किसी ने ट्राई किया? जी क्वेश्चन है, आपने भी ट्राई कर लिया? सही है। हाँ नहीं, ईमेल वेरिफिकेशन में क्या होगा, वही एक ओटीपी भेजोगे आप, एक ओटीपी भेजोगे आप, वो डेटाबेस में आप सेव कर लोगे उसको। फॉरगेट पासवर्ड अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, वंस हम कंप्लीट कर लेंगे फॉरगेट पासवर्ड तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या चक्कर है। यार आप इसी क्लास के हैं आप दोनों, आपकी शक्ल मैंने पहली बार देखी है मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद आ जाए हो, क्यों? चलो सही। अच्छा तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? सही है। हाँ नहीं, ओटीपी का कुकी से तो ताल्लुक नहीं है कोई, है क्या? OTP कुकीज़ में क्यों भिजवा रहे हो, ये सवाल समझ में नहीं, ये मेरे समझ नहीं आया, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? सर OTP जो होता है 2 मिनट बाद बोलते हैं एक्सपायर हो जाता है। हाँ सही है, ठीक है। उसको एक्सपायर करने के लिए मैं उसको कुकीज़ में सेव करवा रहा हूँ, तो 2 मिनट बाद वो खुद को एक्सपायर हो जाएगा, और उसको जो मैं गाइड कर रहा हूँ वो कुकीज़ से ही कर रहा हूँ, जो मैच कर रहे हैं क्या? नहीं देखो असल तो बात ये है ना, मिसाल के तौर पे फॉरगेट पासवर्ड के लिए तुमने एक OTP भेजना है। यार ये पीछे वाला गेट बंद कर दो, ज़रा खड़े हो गए, शोर बहुत आ रहा है। तो तुमने एक बंदे को उसके मेल बॉक्स पे OTP भेजा क्योंकि वो अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहा है फॉरगेट पासवर्ड में। तो देखो लॉगिन नहीं है इसका मतलब है वो, तो जब लॉगिन नहीं है वो बंदा तो कुकीज़ तो मौजूद ही नहीं है जो लॉगिन वाली कुकीज़ होती हैं। लेकिन तुम ये कह रहे हो कि जब वो फॉरगेट पासवर्ड पे जाके अपना ईमेल डालता है और सबमिट का बटन दबाता है तो तुम कुकी सेट करवा देते हो कि इस बंदे को मैंने OTP भेजा है, ये कह रहे हो तुम, ताकि वो वहीं पे लाके दोबारा से एंटर करें। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये असल में काम नहीं करेगा, ये काम इस वजह से नहीं करेगा क्योंकि जब आप फॉरगेट पासवर्ड पे OTP भेजते हो ना तो आप ये मेक श्योर करते हो कि ये ईमेल इसी बंदे की ऑनरशिप है। यार बातें नहीं करो, इधर देख लो ज़रा, कुछ बहुत काम की बात कर रहा है ये आपका दोस्त। जब आप OTP भेजते हो ना तो असल में आप ये मेक श्योर कर रहे होते हो कि ये ईमेल इस बंदे की ऑनरशिप में है, सही है। अब तुम्हारे केस में क्या होगा, तुम्हारे केस में ये होगा, तुम्हारा ईमेल मुझे पता चल गया, मैं आया, मैं फॉरगेट पासवर्ड पे गया, तुम्हारा ईमेल टाइप किया मैंने, तुम्हारा ईमेल टाइप करके सबमिट का बटन दबाया, तो बजाय वो तुम्हारे ईमेल बॉक्स में ईमेल पहुंचने के तुम कह रहे हो कि वो इधर ही कुकी में सेट हो गया। नहीं अभी मैं वैसे ही तुम्हें बता रहा हूँ ना, वैसे ही नहीं, मैं बैठा हूँ और मैं तुम्हारी ईमेल डाल रहा हूँ, अभी तुम्हारी ईमेल मैंने डाल के सबमिट कर दिया, अब क्या होगा, OTP तुम्हारे मेल बॉक्स में चला जाएगा, वही टेक्स्ट जो है वही OTP, प्लेन टेक्स्ट में OTP सेट हो जाएगा कुकीज में। नहीं तो वो टोकन में जो डेटा होता है वो तो पार्स किया जा सकता है ना, इसका मतलब है प्लेन टेक्स्ट में टोकन तुमने कुकीज में सेट करवा दिया, यही कह रहे हो ना तुम? हाँ सही है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसके लिए एक दूसरी अप्रोच भी हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मुझे वो टोकन डेटाबेस में तो सेव करवाना ही करवाना है ना, डेटाबेस में सेव करवाने के अलावा तो मेरे पास कोई हल नहीं है। दूसरा जैसा तुम कह रहे हो कि कुकी भी क्योंकि एक स्टोरेज है तो मैं वहाँ स्टोर करवा दूँ, लेकिन वहाँ पर स्टोर करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसको या तो बिक्रिप्ट हैश वगैरह में पार्स करना होगा,
उसके बाद रखवाना होगा। और स्टिल बिक्रिप्ट में हैश बना हुआ भी अगर OTP हम यहाँ रख रहा हूँ ना मैं, तो ये सिक्योर नहीं है। सिक्योर इसलिए नहीं है क्योंकि देखो तुम दोबारा से समझो इस चीज़ को, तुम्हारा ईमेल मुझे पता चल गया, मैंने अपने कंप्यूटर पे पोर्टल खोला, फॉरगेट पासवर्ड में जाके तुम्हारा ईमेल लिख दिया मैंने, लिख के मैंने सबमिट का बटन दबा दिया, तो तुम कह रहे हो कि एक क्या हुआ, एक ईमेल चली गई तुम्हारे मेल बॉक्स में और मेरी स्क्रीन जिस स्क्रीन पे मैं बैठा हुआ था वहाँ पे जब मैं ऐसे कुकी में जाऊँगा, एक मिनट इसको मैं रन कर लेता हूँ, वेल जहाँ पे भी जो कुकीज़ में ऐसे करके जाऊँगा मैं जहाँ से जो जाता हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे वो टोकन के अंदर भी वो OTP मौजूद होगा, तो मैं उस टोकन को निकालूंगा क्योंकि मैं तो देख सकता हूँ ना प्रोग्रामेटिकली HTTP कुकीज़ को एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं एज अ यूज़र ब्राउज़र से तो निकाल सकता हूँ ना उसको, मैं उसको निकालूंगा जाके पार्स करूंगा, OTP मुझे पता चल जाएगा, मैं वो OTP एंटर करूंगा, तुम्हारा अकाउंट के अंदर दाखिल हो जाऊंगा रिगार्डलेस कि मुझे तुम्हारे मेल बॉक्स मेरी ऑनरशिप में नहीं है। समझ में आया तुम्हें? तो इसलिए ये तरीका जो तुम अप्रोच कर रहे हो ये तरीका मुनासिब नहीं है। अच्छा, इवन दो कि अगर मैं उसको प्लेन टेक्स्ट में ना रखवाऊँ, टोकन में हैश बना के रखवा दूँ, उसके बावजूद भी ये तरीका मुनासिब नहीं है कि मतलब मुझे तुम्हारे ईमेल से जब मैं OTP जनरेट करूँगा तो वो OTP मुझे ही पता चल जा रहा है फ़ौरन। हैश बना हुआ भी हो तो क्या हुआ, हैश बना हुआ भी मैं यूज़र को नहीं दिखाऊँगा, वो मैं भेजूँगा असली ऑनर को, क्योंकि मुझे नहीं पता ये जो ईमेल लिख के फॉरगेट पासवर्ड दबा रहा है ये बंदा कौन है, ये मुझे नहीं पता। सही है, ये कोई भी हो सकता है। अप्रोच ही होती है डेटाबेस में सेव करते थे उसको, जब डेटाबेस में सेव करते हैं तो उसमें लिख देते हैं ना कितने बजे जनरेट हुए, तो जब बंदा वेरीफाई करता है, जब OTP एंटर करता है तो मैच कर लेते हैं कि अभी जो टाइम है वो कितना, कितने देर बाद ये वेरीफाई कर रहा है। अगर हम देखते हैं कि इशू टाइम जो 5 मिनट से ज़्यादा पुराना है, वो जो सेम काम कुकी में करते हैं वो सेम काम डेटाबेस में करते हैं, दैट्स इट। जो एक्सपायरी वाला सेम काम है ना कुकी में जो हम करते हैं कि टाइम से कंपेयर करते हैं, सेम काम हम डेटाबेस से कर रहे होते हैं। सही, अभी करते हैं ना वो, अभी हम वही करना है हमें आज। फॉरगेट पासवर्ड का हमने क्या कुछ कर लिया था, इसको ज़रा रन करते हैं इस कोड को। मैंने कहा कि यार npm run dev और npm start, ठीक है जी, ये बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों को मैंने चला दिया है और मेरे पास जो करंट जो भी था कोड लास्ट जो लिख रहे थे हम, ये बना हुआ आ गया। इसमें मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके रखता हूँ ताकि मुझे दिखता भी रहे कि क्या हो रहा है। ये मेरा पेज बन चुका था और फॉरगेट पासवर्ड का बटन दबाते ही मैं एक दूसरे पेज पे आ गया जो फॉरगेट पासवर्ड के नाम से मौजूद है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, ईमेल लिख कर और सेंड OTP करता हूँ। तो मैं पहले तो ज़रा एक दफ़ा मैं लॉगिन कर लेता हूँ कि कौन सी ईमेल मेरी प्रॉपर है। abc@abc, ये ईमेल मेरी प्रॉपर ईमेल है? नहीं, ये वाली नहीं है। मेरे ख्याल है malik@sysborg से मैंने इस पर अकाउंट बनाया था। हाँ, malik@sysborg जो है ना वो मेरे पास ईमेल है जिससे अकाउंट बना हुआ है इसके ऊपर, तो मैं malik@sysborg करके ही जो क्या करूँगा इसको फॉरगेट पासवर्ड को ट्राई करूँगा। तो मैं फॉरगेट पासवर्ड में जाता हूँ, ये malik@sysborg मैंने यहाँ पे टाइप किया, इस ईमेल से अकाउंट मौजूद है ये मुझे पता है, ठीक है। वेल ये चीज़ भी मुझे हैंडल करनी है कि अकाउंट अगर मौजूद नहीं है तो वो भी मुझे हैंडल करना है। अच्छा, मैं यहाँ से क्या प्रेस करूँगा, सेंड OTP ईमेल। तो जैसे ही मैं सेंड OTP ईमेल करता हूँ, मैं दो खाना यहाँ पे मैं और दिखा देता हूँ, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो लास्ट हम कर रहे थे वो हमने ये कर लिया था कि ये OTP को क्या कर देता हूँ, मैं एक OTP जनरेट कर देता हूँ। और OTP, अब इसमें ज़रा चलते हैं फॉरगेट पासवर्ड के फंक्शन में जो सर्वर पे मैंने बनाया है। सर्वर पे मैंने जो बनाया है वो फॉरगेट पासवर्ड का फंक्शन, वो ये बोलता है जो स्टेप वन है, दोनों को ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप वन है, स्टेप वन में क्या होता है, बंदा ईमेल लिखता है और सेंड का बटन दबा देता है, स्टेप वन में ये होता है। अच्छा, स्टेप वन में जब ये होता है तो मैं बॉडी अलग करता हूँ, बॉडी में से ईमेल को निकाल के लोअर केस बनाता हूँ, क्योंकि डेटाबेस में मेरे पास ईमेल लोअर केस में सेव हुआ है जितना भी ईमेल है, ठीक है। मैं चेक करता हूँ बॉडी में ईमेल होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं वापस भेज देता हूँ यहीं से। उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि इफ़ यूज़र एग्जिस्ट, ठीक है। अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं यहाँ से क्या बोलता हूँ, यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। यूज़र नॉट फाउंड बोल के इसको एरर थ्रो करवाता हूँ। ये एरर थ्रो करने वाला तरीका हमने लास्ट क्लास में डिस्कवर किया था कि ये सारा का सारा कोड एक ट्राई के ब्लॉक में लिखा हुआ है, तो अगर दरमियान में मैं कहीं पे भी एरर थ्रो करूँगा ना तो वहाँ पे मेरा कोड रुक जाएगा और रुक के
डायरेक्ट कहाँ गिरेगा जाके, वो कैच के बॉडी के अंदर गिरेगा यहाँ पे, और इस एरर के अंदर मुझे वो चीज़ मिल जाएगी जो मैंने यहाँ से लिख के भेजी होगी, यूज़र नॉट फाउंड। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एरर डॉट मैसेज जो है वो भेज रहा हूँ फ्रंट एंड पे। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ फ्रंट एंड पे लिख के चली जाएगी। इसको वेरीफाई नहीं किया था हमने कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये मैसेज क्या इसी तरह मिलता है या नहीं मिलता, ये हमने वेरीफाई नहीं किया था, आज वो भी कर लेंगे हम। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नैनो आई डी से एक रैंडम अल्फ़ाबेट जनरेट करता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ इसमें 1 से लेके 9 और 0 तक के इसमें नंबर्स होने चाहिए, 5 डिजिट का एक नंबर जनरेट करता हूँ मैं, और कांस्टेंट ओटीपी करके ये नंबर मैं, अच्छा इसको मैं कॉन्सोल करवाता हूँ, जो कि मुझे प्रोडक्शन में कभी भी नहीं करवाना है, ठीक है, कॉन्सोल में इसको प्रोडक्शन में कभी भी नहीं करवाऊँगा। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस के अंदर एक मॉडल या एक कलेक्शन मैंने बनाई हुई है जिसका नाम मैंने रखा है ओटीपी मॉडल, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ओटीपी मॉडल में ये ओटीपी रखो और ईमेल रखो कि जिस ईमेल के अगेंस्ट ये ओटीपी जनरेट हुई है, ठीक है, वो ईमेल रखवा दिया। मिसाल के तौर पे अभी मैंने क्या भेजा था इसको, इसको मैंने भेजा था malik@sysborg.com। तो एक्चुअली क्या होगा कि डेटाबेस में एक ईमेल और उसके अगेंस्ट एक ओटीपी बन के सेव हो जाएगी। अगर मैं ये मॉडल आपको दिखाऊं, कंट्रोल क्लिक करके मैं इस मॉडल पे जाता हूं, तो इस मॉडल में 3 चीज़ें हैं, ओटीपी है, ईमेल है और क्रिएटेड ऑन है। क्रिएटेड ऑन डिफ़ॉल्ट पे अभी का टाइम कर लेता है, तो क्रिएटेड ऑन से मुझे पता चल जाएगा ये ओटीपी कब जनरेट की गई है, कब बनाई गई है, जाहिर है डेटाबेस में उसी टाइम से सेव हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने डेटाबेस में सेव करवा दिया। अच्छा, डेटाबेस में जब मैं इसको सेव करवाऊँगा तो मैं इसको प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं करवाऊँगा, सही है, ओटीपी को मैं डेटाबेस में जो सेव करवाऊंगा, क्योंकि मैं पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं करवाता, तो मैं इसको भी प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं करवाऊंगा। मैं इसको हैश में कन्वर्ट करूंगा, जो लास्ट क्लास में मैं रह गया था हैश में कन्वर्ट करना। तो मैं बोलूंगा कॉन्स्ट ओटीपी हैश इक्वल्स टू, क्या बोलूंगा मैं उसको, स्ट्रिंग टू हैश। ये जो हमारा फंक्शन है बिक्रिप्ट हैश वाला, जो हमने लॉग इन साइनअप के वक्त ये यूज़ किया था हैश बनाने का तरीका, तो ये मैं यूज़ करूँगा। और मैं बोलूँगा अवेट, और क्या था इसमें, क्या मिलता था मुझे, एक में मैं रियल स्ट्रिंग देता हूँ और मुझे अगेंस्ट उसके क्या मिल जाता है, तो मैं ओटीपी इसको पास करूँगा और इसके डॉट देन के ऊपर मुझे वो हैश मिल जाएगा, ठीक है, प्रॉमिस मिलता है तो ठीक है, बस प्रॉमिस में मुझे ये मिल जाएगा। तो ओटीपी हैश यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करके ये दे देगा। अगर तो ये कोई एरर थ्रो करता है ये फंक्शन, जो कि डॉट कैच में हम पकड़ते थे, तो वो ऑटोमेटिक इस कैच में जाके मुझे पकड़ में आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे इसके एरर को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं अवेट वाली अप्रोच से काम करूँ। तो ओटीपी हैश अब जो है ना क्या होगा, डेटाबेस में सेव होगा इंस्टेड ऑफ प्लेन टेक्स्ट में ओटीपी में सेव कराऊँ, ठीक है, इसको कॉन्सोल भी नहीं कराऊँगा मैं, कुछ भी नहीं कराऊँगा। डेटाबेस में वंस ये सेव हो जाता है, उसके बाद मैंने इसको क्या करना है, ईमेल के ज़रिए ईमेल भेजनी है, इसी ईमेल पे इसको भेजना है मैं, ताकि इस ईमेल का जो भी मालिक है उस तक ये ओटीपी पहुँचे फॉरन। अच्छा, इस तरह की ईमेल को हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शनल ईमेल कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शनल ईमेल कहते हैं। तो ट्रांजैक्शनल ईमेल जो प्रोवाइडर है इसके वो बहुत सारे हैं, पोस्टमार्क उनमें से एक है, उसके अलावा एक और सेंड ग्रिड के नाम से भी है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शनल ईमेल प्रोवाइडर। नहीं, अगर ऐसा ईमेल डाला जो एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ रुक जाएगा ना, यूजर नॉट फाउंड। नहीं, मतलब बनाते हुए भी हम ओटीपी डाले। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि अगर मैंने पोस्ट मार्क के जरिए किसी ऐसी ईमेल पे भेजा जो एग्जिस्ट नहीं करती तो वो सेंड हो जाएगा, लेकिन जैसे एसएमएस भेजते हो ना, जब तुम एसएमएस तुम अगर किसी ऐसे नंबर पे भेजो जो एग्जिस्ट नहीं करता तो मैसेज तुम्हारे पास से तो सेंड हो जाएगा, है ना। नहीं, एसएमएस मैसेज में नहीं बनवाता, एसएमएस मैसेज सेंड हो जाता है, तो इसी तरह ये सेंड हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, पोस्ट मार्क में और कुछ में ना एक डिलीवरी रिपोर्ट के नाम से एक फीचर होता है, अगर वो डिलीवरी रिपोर्ट आपने इनेबल किया हुआ है ना, तो आपको वो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 24 घंटे बाद वो बता देता है कि भाई कैन नॉट डिलीवर। अगर आपने इनेबल नहीं किया हुआ तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता। एसएमएस के अंदर भी ये डिलीवरी रिपोर्ट का एक फीचर हुआ करता था किसी ज़माने में, ठीक है, तो वो फिर ख़त्म हो गया बाद में ना, मैंने जब होश संभाला था तो वो डिलीवरी रिपोर्ट काम नहीं करता था उस वक्त तक, ठीक है, उस वक्त तक वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन डिलीवरी रिपोर्ट की जो अभी जदीद फॉर्म है वो व्हाट्सएप का जो डबल टिक है, दैट इज़ डिलीवरी रिपोर्ट। किसी को बंदे को अगर आप मैसेज भेजते हैं तो वो सिंगल टिक का मतलब है आपके पास से चला गया, डबल टिक का मतलब है उसके पास बेल बज गई है, और डबल ब्लू टिक का मतलब है उसने उसको ओपन कर लिया,
ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड डिलीवरी रिपोर्ट एक्चुअली। तो ये SMS में भी हुआ करता था किसी ज़माने में, मैंने जब होश संभाला तो वो ख़त्म हो चुका था। ईमेल में डिलीवरी रिपोर्ट अभी भी मौजूद है, लेकिन उसकी सर्विस आपको पोस्टमार्क को चेक लगाना पड़ता है कि अच्छा मुझे डिलीवरी रिपोर्ट भी चाहिए। अब वो कैसे कन्फिगर होता है फिलहाल अभी हम उसको नहीं देख रहे। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, ये जो OTP हैश है ना मेरा, इसको मैं क्या करवा लूँगा, फिलहाल के लिए मैं इसको कॉन्सोल करवा लूँगा कि OTP हैश में मुझे क्या मिला है। सही है, OTP भी और OTP हैश भी, दोनों चीज़ें हम ये फिलहाल एज्यूम करेंगे कि हमने भेज दिया है, लेकिन हम फिलहाल भेज नहीं रहे हैं, हम असल में यहीं कॉन्सोल से देख लेंगे कि क्या हो रहा है, समझ रहे हो। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमने ये भेज दिया है, यहाँ पर टू लगाया हुआ फिलहाल मैंने, और हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमने भेज दिया है। अच्छा, ये इसमें हम ईमेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं, इसमें हम फ़ोन नंबर के ज़रिए भी भेज सकते हैं। अगर साइनअप के वक्त मैंने फ़ोन नंबर लिया है तो मैं फ़ोन नंबर से भी भेज सकता हूँ। फ़ोन नंबर का जो प्रोवाइडर है ना, SMS जो ट्रांजेक्शनल SMS प्रोवाइडर जो है, उसमें सबसे फेमस है ट्विलियो, ठीक है, और सेंड ग्रिड वाले भी ना ये देते हैं, SMS भी देते हैं सेंड ग्रिड वाले। नहीं, फ्री नहीं है, फ्री इनमें से कोई भी नहीं है। पोस्टमार्क जो है वो 100 ईमेल फ्री देता है हर महीने की, लेकिन उसके लिए आपको एक तो अपना डोमेन होना चाहिए आपके पास, डोमेन आपके पास होगा तो साइन अप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो डोमेन फ्री नहीं होता, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि पोस्टमार्क वैसे तो फ्री देता है 100 ईमेल, लेकिन उस पर साइन अप करने के लिए आपको डोमेन ख़रीदना होता है अपना। जैसे मेरे पास एक डोमेन है sysbor.com, तो इस तरह आपके पास एक डोमेन होना चाहिए। वेल, पोस्टमार्क सेटअप करना मैं आपको बताऊँगा अभी इसी क्लास में इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल हम इसको इन दोनों स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं, ये टू डू हम फिर लास्ट में करेंगे। अच्छा, तो ये OTP का हैश मैंने डेटाबेस में सेव करवा दिया। अब इससे होगा ये कि अगर MongoDB के डेटा स्टोर में या MongoDB का जो डेटा वेयर हाउस है वहाँ पे काम करने वाला कोई मुलाजिम भी ना मेरा ये OTP देख नहीं सकता, ठीक है। अगर कोई बंदा ऐसी सेटिंग बना ले कि मुझे मिसाल के तौर पर तुम्हारी ईमेल पता चल गई, मैंने तुम्हारी ईमेल उठाई और फॉरगेट पासवर्ड में डाला और मैंने फिर फ़ोन किया, MongoDB में मेरा कोई मुलाजिम दोस्त है मेरा, वो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार फला ईमेल पे जाओ, देखो मैंने OTP जनरेट किया, मुझे देख के बताओ, तो वो देख के मुझे नहीं बता पाएगा क्योंकि हैश में सेव है, ठीक है। और हैश अगर वो देख भी लेता है, मुझे बता भी देता है, तो उस हैश के ज़रिए अगर जो मैं हैश एंटर करूँगा तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। उस हैश को वापस ऑरिजिनल डेटा में कन्वर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि इंक्रिप्शन में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको कैसे मेजर करते हैं, कि भाई मिसाल के तौर पे एक हैश है उसको ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए, वैसे तो इम्पॉसिबल है वो, क्योंकि शहजाद का हैश कैलकुलेट किया जा सकता है लेकिन हैश से वापस शहजाद नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जस्ट इन केस मुझे गेस करने के लिए मुझे 100 ईयर्स तक अगर चाहिए तो उसको सेफ समझा जाता है, तो वो मुझे हैश अगर दे भी देता है तो मैं 100 ईयर्स लगेंगे मुझे उसको गेस करने में कि ओरिजिनल OTP क्या था, और वो 5 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। सही है, तो इसलिए इसको सिक्योर समझा जाता है कि हैश में कन्वर्ट करके उसको सेव किया जाए। वेल, तो यहाँ पे सेव करने के बाद मैंने इसको क्या बोल दिया, OTP सेंड। यहाँ पे मेरा स्टेप नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूँगा, स्टेप नंबर 2 जो है, अब यूज़र को मैंने क्या स्क्रीन दिखाई हुई है, अब यूज़र को मैंने एक स्क्रीन दिखाई हुई जिसमें वो क्या लिखेगा, OTP लिखेगा, ठीक है। यूज़र OTP लिखेगा, साथ में ईमेल भी मैंने रखी हुई है, वो भी भेजूंगा मैं। सही है, फ्रंट एंड से दोबारा। तो अब की बार मुझे क्या चाहिए, अब की बार मुझे यूज़र से चाहिए ईमेल, OTP चाहिए, ओरिजिनल OTP जो मैंने उसको ईमेल पे भेजा हुआ है वो वाला, ठीक है। हैश तो मैंने अपने पास सेव किया है, उसको मैंने ओरिजिनल भेजा है। न्यू पासवर्ड चाहिए, कि नया पासवर्ड वो क्या सेट करना चाहता है वो मुझे बताए। अच्छा, तो ये तीनों चीज़ें जब वो मुझे देगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसको प्रोसेस करूँगा उन तीनों चीज़ों को, और उसका पासवर्ड जो है वो अपडेट कर दूँगा मैं, ठीक है। पासवर्ड अपडेट करने का प्रोसेस बिल्कुल वही होगा जो चेंज पासवर्ड में हमने किया था। तो आ जाओ करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे उसके ईमेल से क्या गेट करना होगा, फाइंड 1 करके ये OTP लेकर आना होगा। और मैं क्या करूँगा, _ID से -1 लगाया ताकि वो लास्ट से लेकर आए, यानी लेटेस्ट रिकॉर्ड लेकर आए। मिसाल के तौर पर उसने 2-3-4 OTP अगर जनरेट कर दिया है तो यहाँ पे मैं कौन सा वाला गेट कर रहा हूँ, सबसे लास्ट वाला, लेटेस्ट। सही है, जो लास्ट में जनरेट हुआ है, क्योंकि जैसे ही हमारे केस में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर उसने एक OTP जनरेट किया हुआ था पहले से और जैसे ही वो दूसरी OTP जनरेट कर देता है तो पहली वाली एक्सपायर हो जाएगी, पहले वाली क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। हम कौन सी देखेंगे, जो सबसे लास्ट में जनरेट हुई है हमें वो चाहिए।
क्यों, तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस से हम उठाते ही सबसे लास्ट वाली है। अब जैसे ही मैं लास्ट वाली उठाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे वो हैश मिल जाएगा। जी सर, ये जो ईमेल आप, ये तो तीनों जो टैग्स हैं ये हमारी एक ही पेज के अंदर है, अगर कोई सेपरेट पेज अगर किसी के लिए बनाए तो हम ईमेल कैसे वेरीफाई करेंगे, ईमेल तो बॉडी से मिलेंगे नहीं, तो आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई में ईमेल रखवा दो, समझ रहे हो। मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझा मैं असल में। सर ये जो आपका जो पेज है उसके अंदर ओटीपी भी है, ईमेल भी, आप साथ में जा रहे हो, पासवर्ड चेंज का भी ऑप्शन आ रहा है, जब आप पूछा था वो इनविजिबल और हाइडेंटिटी का ऑप्शन रखा हुआ है। हाँ, मगर अगर कोई जैसे उसने पहले ईमेल ले उसके बाद फिर दूसरा ओटीपी पेज आएगा ओके करने पर, फिर उसके बाद फिर हो, जब ओटीपी डालेगा उधर ईमेल वेरीफाई कैसे होगा। देखो आमतौर पर ना हमेशा ओटीपी के साथ ना ईमेल दोबारा जाता है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम किसी पे एक पे ट्राई कर लेते हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म को नाम लो, किसी एक प्लेटफॉर्म का गिटहब में कर लें। गिटहब में गया मैं, इसको लॉग आउट करता हूँ मैं गिटहब को, और इसको देखते हैं कि ये लोग कैसे कर रहे हैं। इनका सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ, इनका सवाल ये है कि ये क्या हुआ, बंद हो गया माइक। अच्छा चलो ये तो चल रहा है ना, खैर इनका सवाल ये था कि अगर मैं फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन पे एक पहले तो मैं लेता हूँ ईमेल, और ईमेल लेके जब बंदा कहता है ना सबमिट, तो मैं उसको एक दूसरे पेज पे ले जाता हूँ न्यू पासवर्ड के लिए, जो कि दूसरे पेज पे मेरे पास वो ईमेल मौजूद नहीं है, तो ईमेल मुझे अब कहाँ से मिलेगी। ठीक है, नहीं टोकन भी नहीं है ना, अभी तो लॉगिन हुआ हुआ ही नहीं है बंदा। तो इनका देखते हैं हम ये कैसे कर रहे हैं। तो मैंने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते ही यहाँ पे मुझसे देखो ये ईमेल पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया, सही है, ईमेल डाल के कि क्या वेरीफाई किया यार, प्लीज़ पिक वन स्क्वायर दैट शोज टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, टू आइडेंटिकल, ये रहा सही है। अबे भाई क्या ये टू आइडेंटिटी, ये रोबोट चेक करने के लिए होता है कि कोई रोबोटिकली तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है ना जिसमें मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया इसने मुझे एक ईमेल भेजा, और ईमेल भेज के इसने मुझे बोला कि भाई बाकी का जो सामान है ना वो आपके ईमेल पे मैंने भेज दिया, वहाँ जाके देख लो आप। इसने तो यहाँ से कहानी ख़त्म कर दी, लेकिन जब मैं जाऊँगा ना वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा, मेरे पास एक लिंक आया हुआ होगा, उस लिंक के अंदर ना क्वेरी पैरामीटर में मेरी ईमेल मौजूद होगी और ओटीपी भी मौजूद होगा, सही है। जैसे ही मैं उस लिंक पे क्लिक करूँगा ना वो वापस कहाँ पहुँच जाएगा, वो वापस सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी जिसमें मेरा ईमेल भी जाएगा और मेरा ओटीपी भी जाएगा, और फिर वहाँ से वो मुझे एक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करवाता है और कहता है यार अब नया, यानी जब जैसे ही मैं ये भेजता हूँ वो सर्वर से एक टोकन इशू कर देता है मुझे, और उस टोकन को यूज़ करते हुए फिर वो पासवर्ड चेंज करवाता है, ठीक है। यानी काइंड ऑफ जैसे ही मैं उस लिंक पे क्लिक करूँगा ना तो मैं लॉगिन हो जाऊँगा, और लॉगिन होने के बाद फिर मुझे उसी वो रिप्लेस या अपडेट पासवर्ड वाली स्क्रीन पे लेके चला जाएगा, जिसमें मुझसे वो पुराना पासवर्ड नहीं मांगेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूँ। तो इनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, इसके कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हम ये तरीका भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, सबसे बेसिक तरीका हम अख्तियार कर रहे हैं, जो सबसे जो आसान कह लो उसको, या सबसे ज़्यादा जो बेसिक तरीके का मतलब होता है कि अब ये तो फैंसी है ना, यूज़र एक्सपीरियंस के चक्कर में इन्होंने ये सारा गेम किया हुआ है, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। वंस ये हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर यू कैन थिंक के यार कैसे इस एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सकता है, किसी और पर ट्राई करते हैं यार, इन्होंने तो तरीका ही चेंज किया हुआ है इन्होंने, कोई और प्लेटफॉर्म नहीं, वो उन्होंने भी यही किया हुआ होगा, उन्होंने भी यही किया हुआ होगा। ओटीपी कौन भेजता है यार, वेल कुछ प्लेटफॉर्म्स पे आप ये देखेंगे कि जब मैं इसको सेंड ओटीपी का बटन दबाता हूँ ना, तो होता ये है कि मेरे पास एक ही बॉक्स आ रहा होता है ओटीपी का सिर्फ, और ईमेल भी ना साथ में लिखी भी आ रही होती है लेकिन वो टेक्स्ट बॉक्स में नहीं आ रही होती, वो खाली लिखी भी होती है एज अ डिव समझ लो। सर वो पर मतलब हाँ सही है, तो आप उसको क्वेरी पैरामीटर में डाल के अगर आप दूसरे पेज पे लेके जा रहे हो तो आप क्वेरी पैरामीटर में डाल के ले जा सकते हो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में डाल के ले जा सकते हो, ठीक है। अच्छा फिर उससे होगा ये कि अगर आपने पेज रिफ्रेश कर दिया, मिसाल के तौर पे मैं इस पेज को अगर रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरा ओटीपी गया,
अब मुझे OTP दोबारा से जनरेट करना होगा, तो ठीक है सही है, मतलब जब OTP जनरेट कर लिया बंदे ने तो अब वो इसी स्क्रीन पे खड़ा होकर वेट करेगा OTP एंटर करने के लिए ना, कि OTP मिलेगा तो मैं एंटर करूँगा। अगर उसने रिफ्रेश कर दिया तो वो दोबारा जनरेट करेगा, तो दूसरे पेज पे जाने की सूरत में भी क्या होगा, जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ज़ाहिर है कॉन्टेक्स्ट API से गायब हो जाएगा, ठीक है। क्वेरी पैरामीटर में ऑन अदर हैंड अगर आपने डाला है तो वो गायब नहीं होगा, वो रहेगा। तो खैर इसको जैसा जितना अच्छा आप सोच सकते हैं उतना अच्छा आप कर सकते हैं। हमारे एक टीचर थे वो कहते थे कि कंप्यूटर साइंस में जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। तो इसी तरह फॉरगेट पासवर्ड के ना डिफरेंट अप्रोच आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, डिपेंडिंग ऑन देयर केस, डिपेंडिंग ऑन देयर ऑडियंस। मिसाल के तौर पर जो फेसबुक का पासवर्ड अपडेट का जो प्रोसेस है वो इन्होंने ऐसा बनाया ना कि वो फुल प्रूफ है, क्योंकि बिल्कुल लेमैन लोग इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल फुल प्रूफ है वो, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन ऑडियंस भी इसको डिफरेंट मैथड्स को यूज़ किया जाता है। अच्छा फिर ये आपको कौन बताएगा कि बेस्ट मैथड इसमें से कौन सा वाला है, वो साइबर सिक्योरिटी वाले बताते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी वाले सजेस्ट करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जो यूज़र्स हैं डिपेंडिंग ऑन देयर एज और देयर जेंडर या देयर लोकेलिटी देयर एजुकेशन लॉट्स ऑफ फैक्टर उसको देखते हुए कि इस ऑडियन के लिए कौन सा वाला मेथड सबसे बेस्ट है जो ये आसानी से कर भी ले और फुल प्रूफ भी हो, ठीक है। क्योंकि OTP जो है ना, जैसे WhatsApp का जो OTP है ये फुल प्रूफ नहीं है, पता है ना आपको। फुल प्रूफ इसलिए नहीं है कि पिछले दिनों इस तरह के बहुत सारे केसेस देखने को मिले कि खातून के पास कॉल आई, उनको बोला गया कि भाई मेरा आपका इनाम निकला है तो हमने आपको एक OTP भेजा है वो आप हमें बता दें, तो उन्होंने OTP बता दिया, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने OTP दबाया, उनको बताया, तो उनका WhatsApp चलना बंद हो गया, सही है। तो असल में वो हुआ क्या था, वो हुआ ये था कि उस खातून को जैसे ही उन्होंने फ़ोन मिलाया उन्होंने देखा यार खातून बेवकूफ़ बन सकती हैं, उनसे 15 मिनट बात की, उनको शीशे में उतारा और उसके बाद उनको कहा कि हम आपको OTP भेज रहे हैं। और वो OTP उन्होंने कैसे भेजा, WhatsApp के लॉगिन पे जाके उनका नंबर लिखा और सेंड का बटन दबाया, वो लॉगिन का बटन दबाया एक्चुअली, तो वो OTP मांगता है। आंटी ने फ़ौरन OTP दबाया, उन्होंने यहाँ एंटर किया, वो लॉग आउट हो गई, ये लॉगिन हो गया, उनका जो बैकअप था गूगल ड्राइव से वो रीस्टोर हो गया, सारी फ़ोटोज सारे मैसेजेस आ गए, ठीक है। तो बस अब यहाँ से फिर आगे की कहानी बहुत डार्क है। ये हुआ है तुम्हारे साथ, इसको इसका बड़ा अच्छा एक नाम देते हैं इसको साइबर वाले, नहीं फिशिंग अटैक तो कुछ और होता है, फिशिंग अटैक कुछ और होता है, इसको कुछ अच्छा सा नाम है इसका जो बोलते हैं ये लोग ना। नहीं बस अब वो जैसे खातून का अब उन्होंने हैक किया, उनकी कोई प्राइवेट फोटो कहीं मिल गई उन्हें व्हाट्सएप में, उसमें तो बस उसका गेम बन गया, अब वो ब्लैकमेल करेगा, पैसे मांगेगा, यही करेगा और क्या। हाँ नहीं तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, ये तुम्हारा कुछ मिला नहीं होगा उसको इसलिए तुम बच गए। बेचते भी हैं, 10 तरीके हैं यार, अब ये जराइम की दुनिया तो फिर बहुत बड़ी है ना, उसमें बहुत कुछ होता है, वो हम सोच भी नहीं सकते कि वहाँ क्या क्या होता है। तो वेल वो तुक्के लगाते हैं, आ रही होती है, ठीक है। तो मैं पॉइंट मेरा कहने का ये है कि फॉरगेट पासवर्ड के लिए कौन सी अप्रोच करनी है, OTP वाली करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सी ऑडियन है। और ये साइबर सिक्योरिटी वाले आपको बताते हैं कि आपकी ऑडियन के लिए बेस्ट अप्रोच कौन सी रहेगी, ठीक है। तो हम बेसिक वाला सबसे फिलहाल हम कर रहे हैं, तो मैंने कहा सेंड OTP ईमेल और ये OTP की स्क्रीन आ गई और ये न्यू पासवर्ड आ गया। अच्छा बटन मेरे पास अभी भी वही है, फ्रंट एंड का कुछ काम बाकी है, तो ज़रा हम ये बैक एंड अपना पूरा कर लें फिर हम फ्रंट एंड को देखते हैं। अच्छा तो अगर तो मुझे OTP यहाँ से नहीं मिलता है, अच्छा साथ साथ मैं MongoDB का कंपास भी खोल लूँ ताकि मुझे दिखता भी रहे कि वो जनरेट हुआ भी है OTP या नहीं हुआ है, वो भी मैं देखता रहूँगा साथ साथ, और मैं ऐसे OTP गेट कर रहा हूँ, और मैं ये भी मेक श्योर करूँगा कि यहाँ जो मुझे रिकॉर्ड मिल रहा है वो सबसे लास्ट वाला ही मिल रहा है, सही है, उसके अलावा तो कोई और सा तो नहीं मिल रहा अभी। रीसेंट कनेक्शंस भाई चल जा आज की जिंदगी में भाई, अच्छा कनेक्ट दबाना पड़ेगा क्या,
अच्छा ये OTPs यहाँ पे बना हुआ है एक मॉडल। अच्छा पहले आप नोट करें यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में OTP सेव हो जाता था, है ना, लेकिन अब क्या होता है, अब यहाँ पे हैश की सूरत में सेव होता है। ये सही हो गया ना, बेहतर हो गया। तो मैं क्या करता हूँ इसमें से पहले तो मैं तमाम रिकॉर्ड्स उड़ा देता हूँ, बल्कि चलो रिकॉर्ड उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो आएगा तो सबसे लास्ट वाला ही आएगा हमेशा। सही है, तो सबसे लास्ट वाला अभी जो है वो ये है। सही है, इसके लास्ट का जो दो QUY है लास्ट में, ये सबसे लेटेस्ट रिकॉर्ड है मेरे पास। तो जब मैं सेकंड स्टेप करूँगा तो मुझे यहाँ पे वो वाला OTP मिलना चाहिए जो सबसे लास्ट में जनरेट हुआ है। अच्छा साथ साथ मेरे पास क्या जनरेट हो जाता है, इसका क्रिएटेड ऑन मुझे मिल जाता है। तो क्रिएटेड ऑन से मैं पता लगा लूँगा कि ये कितनी देर पहले जनरेट हुआ है। मिसाल के तौर पे मैंने 5 मिनट का टाइम सेट करना है, तो मैं चेक करूँगा कि आया कि ये 5 मिनट से ज़्यादा पुराना है तो मैं मना कर दूँगा। इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं कितनी देर, मैं बोलूँ या मैं 10 मिनट भी रख सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है ये। अच्छा OTP रिकॉर्ड अगर तो मिला ही नहीं है, क्योंकि फाइंड वन में मुझे क्या मिलता है, या तो डेटा मिलता है या तो नल मिलता है, तो अगर तो मिला ही नहीं है मुझे, तो मैं यहीं से वापस बोलूँगा कि भाई OTP मिली ही नहीं है आपकी, नॉट फाउंड, एरर थ्रो करवा दूँगा। अच्छा उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस मैच करके मैं बॉडी में जो OTP आई है और OTP रिकॉर्ड जो मुझे मिला है, उन दोनों को मैं मैच करवाऊँगा। ठीक है, इस मैच में या तो मुझे ट्रू मिलेगा या तो मुझे फॉल्स मिलेगा। अगर तो मुझे फॉल्स मिलता है, मैं बोलूँगा इनवैलिड OTP और यहीं से वापस भेज दूँगा। सही है। अच्छा अगर मुझे, जाहिर है अगर फॉल्स नहीं मिला तो ट्रू होगा। ट्रू मिलने की सूरत में मैं क्या करता हूँ, जो नया पासवर्ड उसने अभी अभी भेजा है उसको क्या करता हूँ, हैश में कन्वर्ट करता हूँ। हैश में कन्वर्ट, क्योंकि अभी मैं पुराने पासवर्ड को रिप्लेस करने जा रहा हूँ, मैं हैश में कन्वर्ट करता हूँ। और साथ साथ मैं क्या करता हूँ, उस न्यू हैश को यूज़र मॉडल डॉट अपडेट वन करके ना मैं बोलता हूँ इस ईमेल के अगेंस्ट जो पासवर्ड था उसको अपडेट कर दो। ये हम अपडेट पासवर्ड पहले कर चुके हैं, ये क्वेरी अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई अपडेट वन चलाओ और इस ईमेल का जो बंदा है ना उसका पासवर्ड पहले जो भी था उसको हटा दो, नया रख दो यहाँ पर। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ठीक है आपका पासवर्ड क्या हो गया, चेंज हो गया, दैट्स इट। तो ये मेरा स्टेप टू यहाँ पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, स्टेप टू मेरा पहले से ही कंप्लीट था एक्चुअली। सही है, एक नज़र मार लेते हैं कुछ इसमें मिस तो नहीं किया हुआ मैंने। सही है, सब कुछ ओके लग रहा है। अच्छा तो अब फॉरगेट पासवर्ड डॉट JSX पे जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने जो एक अदद कंडीशन लगाई है ना कि भाई इस OTP सेंड के ऊपर 2 extra text फील्ड दिखा दो, ये मैंने इस पे एक लॉजिक लगाई हुई है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो नीचे बटन है ना इसको भी लॉजिकल बना दूँगा, क्योंकि इसमें था सेंड OTP, अब यहाँ पे क्या बटन आना चाहिए, अपडेट ईमेल, ये आना चाहिए ना। तो मैं इस लॉजिक में इस बटन को भी शामिल कर देता हूँ। मैं इस लॉजिक में क्या कर दूँगा, इस बटन को भी मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने बोला ये बटन भी भाई इस लॉजिक का पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या नज़र आएगा, अपडेट पासवर्ड। सेंड OTP मैं इधर लगाऊंगा ना, एल्स पे लगाऊंगा। सही है, रीसेंड क्या होता है, टाइम मिला ज़्यादा दोबारा भेजने का होता है, नहीं तो अभी हम फिलहाल ये अज्यूम कर रहे हैं वो पेज रिफ्रेश कर लेगा वो बंदा, अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर अभी मैं जैसा कि मैंने बोला कि आप जितना इसमें सोचते जाएंगे वो आगे चीज़ें बहुत सारी हैं, तो हम फिलहाल बेसिक बना रहे हैं सबसे। अच्छा तो मैंने क्या कर दिया, मैंने नीचे वाले बटन को भी कंडीशनल बना दिया। कंडीशनल क्या, उसका लेबल जस्ट कंडीशनल बनाया मैंने, बटन तो एक्चुअली वो वही है। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करके अब मैं जब सेंड OTP दबाता हूँ जैसे ही, तो ये बटन भी नीचे चेंज हो जाता है, अपडेट पासवर्ड लिखा हुआ आ जाता है। और ये जो ईमेल लिखी हुई है ना ये अब चेंज नहीं होनी चाहिए, ये अब चेंज होना बंद हो जानी चाहिए। तो इसको भी मैं कंडीशनल बना देता हूँ ऊपर वाले पार्ट को, कि जैसे ही सेंड OTP का बटन प्रेस हो जाए तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाए, फिर टेक्स्ट बॉक्स जैसा नहीं नज़र आएगी, ये फिर बगैर टेक्स्ट बॉक्स के जैसा नज़र आए, मतलब किसी उसमें दिखेगी। नहीं तो इस पार्ट को भी मैं कंडीशन के अंदर लेकर आ जाऊँगा ना, डिसेबल भी कर सकता हूँ मैं, दैट इज डिसेबल भी कर सकता हूँ मैं, बट स्टिल भेजना है ना ये वाला, यही तो मैं कह रहा हूँ।
डिसेबल के बाद भी जाएगा, बट इसको मैं इस तरह दिखाना नहीं चाहता, इसको मैं इस तरह दिखाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा गायब हो जाए, क्योंकि मेरा स्टेट तो बन चुका है ना, ये जो ईमेल का स्टेट था ये तो है ना, ये तो रिफ्रेश करे बगैर ये ख़त्म नहीं होगा, तो मैं अगर इसको हटा भी दूँ स्क्रीन से, इसको गायब भी करवा दूँ तो भी क्या होगा, सेट चलेगा मेरा मामला, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कंडीशनल बना सकता हूँ, हाँ एक्चुअली मुझे इसको कट करके यहाँ से इसको नीचे लाना होगा, इस एल्स में लाना होगा, ठीक है, मुझे इसको यहाँ लाना होगा ताकि जो सेंड ओटीपी के साथ ये वाला टेक्स्ट बॉक्स दिखे, और यहाँ पर मुझे क्या दिखे, यहाँ पर मैं बनाऊँगा, यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक अदद H2 मे बी H2 बनाऊंगा एक अदद, और उसमें क्या दिखा दूंगा मैं, ये ईमेल का जो भी स्टेट है ना वो दिखा दूंगा, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ मैं इस पेज को और देखते हैं क्या होता है। सेंड ओटीपी का बटन जैसे ही दबाया मैंने तो देखो ईमेल अब एडिटेबल नहीं रही है, ये स्टेट से ही डिस्प्ले हो रही है, स्टेट मौजूद है मेरी, नीचे ओटीपी लिखा हुआ है और न्यू पासवर्ड लिखा हुआ है और अपडेट पासवर्ड का बटन आ रहा है, सही हो गया, ठीक है। मे बी मुझे ये वाला पार्ट नीचे रखना चाहिए था और दूसरा वाला पार्ट ऊपर रखना चाहिए था, ठीक है, मे बी मुझे ये पार्ट ऊपर रखना चाहिए था, कट करके मैं उसको ऊपर ले जाता हूँ, इस पर नॉट लगा देता हूँ, ठीक है, ये पार्ट मुझे ऊपर रखना चाहिए था, ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है, हाँ वो मैंने नॉट लगा दिया ना उस पर, उल्टा तो ऑब्वियसली वो हो गया लेकिन नॉट लगा दिया मैंने उस पर, ठीक है। तो मेरे पास ये फॉर्म ऐसा दिख रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है, जब तक ओटीपी सेंड नहीं होता है, जैसे ही ओटीपी सेंड हो जाता है ये पूरा का पूरा फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और उसको जिस तरह का बन जाएगा। अच्छा मैं ये भी कर सकता था कि दोनों का फॉर्म बिल्कुल ही अलग अलग बना दूँ, ये भी कर सकता था मैं, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए एक ही फॉर्म पे कर लेते हैं। अच्छा अब ये सेंड ओटीपी का जो फंक्शन है ना, जाहिर है इसको भी मुझे कंडीशनल करना पड़ेगा क्योंकि सबमिट का बटन तो एक ही है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि यार अगर ओटीपी सेंड ट्रू है तो इसका मतलब है कि वो अपडेट पासवर्ड वाला काम करना है, और अगर वो फॉल्स है तो यही वाला काम करना है जो यहाँ पे हुआ है, समझ आ रहा है क्या हो रहा है। मे बी अगर मैं पूरा फॉर्म इसको कंडीशनल कर दूँ तो इस चीज़ से मैं बच जाऊँ शायद, मे बी, हाँ यार पूरा फॉर्म अगर मैं कंडीशनल करता हूँ तो इस चीज़ से बच जाऊँगा, मैं एक दूसरा फंक्शन बना लूँगा, तो लेट्स डू दैट, ये मैं पूरा फॉर्म ही फंक्शनल कंडीशनल कर देता हूँ, ठीक है, मैं पूरा फॉर्म कंडीशनल करने जा रहा हूँ अभी राइट नाउ, ठीक है, ये मैंने पूरा फॉर्म कंडीशनल कर दिया एक्चुअली। इसको एरर क्यों हो रहा है, अच्छा एरर इसलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट में ये फॉर्म का क्लोजिंग टैग है ना, ठीक है, मैं पूरा फॉर्म कंडीशनल कर दिया मैंने। अच्छा ये करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मैं ऑन सबमिट का फंक्शन चेंज कर सकता हूँ, तो इस वाले पार्ट में मैंने बोला कि ऑन सबमिट पे सेंड ओटीपी लगाओगे आप, वो वाला फंक्शन चलाओगे, इस पार्ट में क्या करोगे आप, अपडेट पासवर्ड का एक दूसरा फंक्शन होगा वो चलाओगे आप, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे ईमेल उसी स्टेट से डिस्प्ले हो रही है एक्चुअली, ये कहीं दूसरी जगह से नहीं आ रही, तो आ जाते हैं जी ऊपर, एक हम एक डुप्लीकेट कर देते हैं इसको और उसका नाम रख देते हैं हम कि ये क्या है, अपडेट पासवर्ड है। अपडेट पासवर्ड में मुझे तीन चीज़ें भेजनी है, क्या क्या है वो तीन चीज़ें, मुझे भेजना है ईमेल, मुझे भेजना है ओटीपी, सही है, और मुझे भेजना है न्यू पासवर्ड, ये तीन चीज़ें मुझे चाहिए, राइट, ये तीनों चीज़ें मैंने भेज दी, क्रेडेंशियल ट्रू रखा है मैंने, और जैसे ही मेरे पास यहाँ से रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई सेट रिज़ल्ट में वो मैसेज रखवा दो जो भी सर्वर से आया है, और वो मैसेज रखवाने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये सेंड ओटीपी ये ट्रू करवाता था मैं, इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मे बी मैं उसको नेविगेट करवा दूँ लॉगिन के पेज पे, मे बी मैं ना करवाऊँ, मे बी मैं जस्ट वो मैसेज लिख के छोड़ दूँ कि पासवर्ड इज़ अपडेटेड, ठीक है, वो पास ये बात लिख के और मैं उसको छोड़ दूँ ऐसे, ठीक है। अच्छा
तो मेरा ख्याल है ये फ्रंट एंड का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा अभी मैं क्या करने लगा हूँ कि रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, और सेंड ओटीपी करता हूँ मैं। सेंड ओटीपी जैसे ही मैंने किया तो ओटीपी एक जनरेट होकर डेटाबेस में सेव हो गया। आइडियली वो मेरे मेल बॉक्स में आना चाहिए था, लेकिन अभी तक मेल का सेट नहीं किया मैंने, तो वो कंसोल से मैं उसको देख लेता हूँ कि उसने क्या ओटीपी जनरेट किया है। तो अब की बार जो ओटीपी जनरेट हुआ है वो कुछ ये है, इस तरह का है कुछ। तो मैंने इसको ऐसा कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाके वो ओटीपी टाइप कर दूंगा, और न्यू पासवर्ड मैं कहता हूँ कि 4 दफ़ा 0 है। ठीक है, पहले कुछ और था, होपफुली पासवर्ड 1 से लेके 5 तक था गालबन, या 1 था 5 दफ़ा। ठीक है, तो मैंने अभी 1 2 3 4 4 दफ़ा 0 मैंने एक नया पासवर्ड सेट करने की कोशिश की है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ नेटवर्क का टैब खोल लेता हूँ ताकि मुझे दिखता रहे कि यहाँ पे नेटवर्क में क्या रिस्पॉन्स आया है, और मैं अपडेट पासवर्ड का बटन प्रेस करता हूँ। तो ये 200 आ गया इसमें लिखा हुआ, OTP सेंड सक्सेस क्यों लिखा हुआ रहा है भाई। अच्छा नहीं, हाँ नहीं, वो मैंने नाम तो फंक्शन का चेंज कर दिया, बट वो नहीं किया मैंने यार, API का वो चेंज नहीं किया। इसमें क्या था, 1 था ना, या 2 था, क्या था, ये 2 था, -2। ठीक है, ये भी तो मुझे चेंज करना था। ठीक हो गया, तो एक्चुअली क्या हुआ, वो पुराने वाले को कर दिया, और उसने एक नया ओटीपी उसने जनरेट कर दिया। तो मैं इस नए ओटीपी को कॉपी करता हूँ अब, और इसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। और पासवर्ड 1 2 3 4 4 दफ़ा 0 मैंने पासवर्ड टाइप किया। अच्छा यहाँ पे मैंने ये क्या मैसेज प्रॉपर भेजा हुआ है सर्वर से कि पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली, हाँ पासवर्ड अपडेटेड सक्सेस, ये मैंने मैसेज तो प्रॉपर भेजा हुआ है यहाँ से। ठीक है, अपडेट पासवर्ड का बटन क्लिक किया मैंने। ठीक है जी, अपडेट पासवर्ड अपडेटेड सक्सेस हुई। ठीक है, हमने ब्लाइंडली कोड लिखा था, लेकिन इत्तेफाक से वो बिल्कुल सही चल गया। पेलोड में ये 3 चीज़ें भेजी थी हमने, प्रीव्यू में उसने बोला पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब ज़रा यहाँ आके देख लेते हैं कि क्या हुआ है। अच्छा मैंने किसी चीज़ को यहाँ पे प्रिंट वगैरह नहीं करवाया, लेकिन मुझे प्रिंट करवाना है यहाँ पे। ठीक है, वो प्रिंट क्यों करवाना है वो मैं बताता हूँ। वो इसलिए प्रिंट करवाना है, अभी आप नोट कीजिएगा, एक और सेम ओटीपी रखा हुआ है इधर, और मैंने एक नया पासवर्ड लिखा, मैंने 1 2 3 4 5 दफ़ा 1 9 लिख दिया मैंने। और अब मैं क्या करूँगा, अपडेट पासवर्ड का बटन जैसे ही दबाऊंगा ना, तो ये दोबारा अपडेट हो गया पासवर्ड। ये ओटीपी क्या हो रहा है, रीयूज हो पा रहा है, जो लेटेस्ट जो लास्ट वाला ओटीपी था ना, वो रीयूज हो जा रहा है। अच्छा ऑन अदर हैंड, अगर मैं पुराना ओटीपी डालूंगा ना, जो इससे पहले जनरेट हुआ हुआ ओटीपी था ये वाला, तो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, इस पे फेल हो जाएगा ये। ठीक है कि इनवैलिड ओटीपी, लेकिन जो लेटेस्ट जनरेट हुआ है ना वो काम करेगा, वो चल रहा है पासवर्ड अपडेटेड, सही है। दोबारा करूँगा मैं, फिर हो जाएगा। तो ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना, ये ओटीपी मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सर्वर की लॉजिक में होता क्या है, मेरे सर्वर की लॉजिक में ये होता है कि मैं सबसे पहले तो चेक करता हूँ वैलिडेशन के यार ये फील्ड्स है या नहीं है, और मैं ओटीपी रिकॉर्ड उठाता हूँ सर्वर से, और उठा के मैं उससे जस्ट मैच करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, मैं जस्ट उससे मैच करता हूँ और मैं कहता हूँ ठीक है। अच्छा तो अब मुझे करना क्या होगा, मुझे इस ओटीपी के साथ कोई ऐसा फ्लैग लगाना होगा कि ये यूज़ हो चुका है, इसके साथ एक फ्लैग लगाना होगा कि ये यूज़ हो चुका है। अब वो फ्लैग मैं कैसे लगाऊंगा, पहले तो इस ओटीपी रिकॉर्ड को मैं कंसोल करवाता हूँ, जो कि मैंने नहीं करवाया, ताकि ना मुझे कंसोल पे बाकायदा दिखे कि हाँ यार वो फ्लैग ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, क्या हुआ। हाँ इसका नुकसान ये है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम वो चल रहा है ना, अभी तो हमने टाइमिंग भी सेट करनी है कि 5 मिनट बाद वो एक्सपायर हो गया। नहीं, अगर ओटीपी एक दफ़ा यूज़ हो गया ना, एक तो ये होता है कि मुझे मैसेज पे एक ओटीपी आया 4 डिजिट का, मुझे टाइप करने में गलती हो गई, मैंने 1 2 3 4 की जगह 1 2 3 5 डाल दिया, तो वो तो सामने से इनवैलिड बोलेगा, लेकिन स्टिल मेरा ये ओटीपी वैलिड है। लेकिन इमेजिन करें कि मैंने 1 2 3 4 प्रॉपर ओटीपी डाला, मेरा पासवर्ड अपडेट हो गया, लेकिन वो मेरे फ़ोन में जो मैसेज पड़ा हुआ है ना, वो अभी भी टाइम बॉम्ब है, वो मैसेज किसी को भी मिल गया अगर 5 मिनट के अंदर अंदर, तो वो मेरा पासवर्ड दोबारा अपडेट कर देगा,
एक्सपायर होने से पहले पहले अगर वो, अच्छा अभी तो एक्सपायर भी नहीं सेट किया ना हमने, एक्सपायर होने से पहले पहले अगर उसको मिल गया तो वो मेरा पासवर्ड दोबारा चेंज कर देगा। तो इसका मतलब है कि वो मैसेज डिस्पोज नहीं हुआ, वो ओटीपी डिस्पोज नहीं हुआ। तो आइडियल ये होगा कि मेरा ओटीपी एक बार यूज़ हो गया तो इंस्टेंटली वो डिस्पोज ऑफ हो जाए, वो दोबारा यूज़ ना हो सके पासवर्ड को। यानी वो समझ लें एक तरह से टोकन इशू हुआ था, वन टाइम टोकन, वो वन टाइम यूज़ के बाद उसको काम नहीं करना चाहिए दोबारा। तो वो हमने काम करना है इधर, वो हमने चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। उसके लिए मैं ये ओटीपी रिकॉर्ड के मॉडल पे जाऊंगा, और मॉडल में जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इज यूज्ड लगा दूंगा और उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखवा दूंगा मैं, फॉल्स। मैंने कहा भाई टाइप जो है वो आपका बुलियन है और कॉमा डिफ़ॉल्ट आपका फॉल्स है। तो इस यूज्ड जो है इसको मैं क्या करवा दूंगा, जैसे ही इस्तेमाल हो जाएगा तो उसको मैं ट्रू करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा तो आ जाते हैं जी हम, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो फॉल्स रहेगा। जैसे ही यहाँ पे यूज़र का मॉडल अपडेट होता है, मैं साथ साथ क्या करवा दूंगा, यहाँ पे एक अपडेट की रिक्वेस्ट और लगाऊंगा मैं हाथ के हाथ, और वो अपडेट की रिक्वेस्ट किधर होगी, वो ओटीपी मॉडल में होगी। ठीक है, और ओटीपी मॉडल में मैं क्या बोलूंगा कि इस ईमेल के अगेंस्ट जो भी चीज़ रखी हुई है। ठीक है, एक्चुअली वही वाली क्वेरी होगी, एक मिनट इसको मैं रोकता हूँ, पहले तो मुझे यहाँ चेंज करना है ना। पहले मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई ये ओटीपी जो ढूंढ के ला रहे हो ना, वो कौन सी लूट ढूंढ के लाओ आप, एक तो ईमेल बताऊँगा, दूसरा बोलूँगा इज यूज्ड जो है ना वो फॉल्स होना चाहिए, ट्रू वाले को लाने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ओटीपी नॉट फाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले तो कि भाई आईडी से लेटेस्ट वाली उठा के लाओ और वो वाली लेकर आओ जिसमें इज़ यूज्ड क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अच्छा अब इसका भी एक मसला है, इसका मसला ये है, मिसाल के तौर पे मैंने तीन ओटीपी जनरेट किए, लास्ट वाला जो तीसरा ओटीपी था वो मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, अच्छा अब वो यूज़ हो गया ना, अब उसके बाद क्या होगा, अब जब कोई भी बंदा उस ओटीपी को यूज़ करने की कोशिश करेगा तो वो तो यूज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो ओटीपी में मार्क हो गया है इज़ यूज ट्रू, तो वो इस क्वेरी के अगेंस्ट वो मिलेगी नहीं, लेकिन उससे पहले वाली मिल जाएगी इस केस में। तो अगर बंदे को ये बात पता चल गई ना कि आपने ऐसे लॉजिक लगाई है, तो वो क्या कर सकता है, आपने जो सबसे तीसरा वाला जो ओटीपी था ना जो आपने यूज़ कर लिया, वो तीसरा छोड़ के सेकेंड वाला उठा लेगा, और सेकेंड वाला उठा के लगाएगा वो लग जाएगा, समझ लो बात। तो ये काम मुझे कभी भी नहीं करना, ये जो क्वेरी पे हम लगाते हैं ना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बड़ा यूज़फुल है, इज़ यूज़ फॉल्स लगा लिया तो वो यूज़ ट्रू होने के बाद इधर आएगा ही नहीं, तो ये काम हमने नहीं करना। हमने मंगवाना सारा ही है, जो इस यूज़र ने जितने भी किए ना वो सारा मंगवाना है, और नीचे की साइड से मंगवाना है, और लॉजिक मुझे कहाँ लगानी है, लॉजिक मुझे उधर लगानी है। अच्छा, और इसी ओटीपी रिकॉर्ड पे भी मैं डॉट अपडेट कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, इसी इस वाले ओटीपी के यानी जो भी रिज़ल्ट मुझे मिला है इस पे भी डॉट अपडेट मैं कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अच्छा क्या करना था, अब हमें ओटीपी रिकॉर्ड को यहाँ पर मैंने कंसोल करवा दिया। ओटीपी रिकॉर्ड को कंसोल करवाते ही मैंने क्या किया, यहाँ पे या किसी भी जगह पे मैं क्या बोलूँगा कि ओटीपी रिकॉर्ड डॉट अपडेट, सही है, डॉट अपडेट करके मैं वही अपडेट की जो क्वेरी होती है ना वो लगा दूँगा, जो भी नया डेटा मुझे रखना है इस पर वो लगा दूँगा मैं। अच्छा, नया डेटा मुझे एक्चुअली क्या रखना है इसमें, मैं कहूँगा कि यार अच्छा मुझे इसमें क्राइटेरिया देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड मंगवा चुका हूँ फाइंड वन करके, तो वो एक ही डॉक्यूमेंट है जो आया है, तो उस डॉक्यूमेंट पे जब मैं डॉट अपडेट लगाऊंगा ना तो वही डॉक्यूमेंट अपडेट होगा, कोई दूसरा अपडेट नहीं होगा। तो इस पर मैं अपडेट कॉल करूँगा और मैं बोलूँगा कि क्या कर दो आप, इज़ यूज्ड को ट्रू कर दो। तो पहले तो ये जैसे ही मेरा ओटीपी मैच होता है ना, मैं फौरन उसको डिस्पोज करता हूँ, डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ कि दोबारा इसको कोई यूज़ ना कर सके। ठीक हो गया, तो ये मैंने अपडेट लगा दिया इसके ऊपर। अच्छा, अब दूसरा मैं काम क्या करूँगा, टाइम चेक करना है मैंने कि कितना पुराना है ओटीपी, तो मैं टाइम क्या करूँगा, ये डिस्पोज करने से पहले इसको चेक करूँगा, मैं डिस्पोज करने से पहले ही क्या कर लूँगा, टाइम चेक कर लूँगा, या मैं भी डिस्पोज करने के बाद कर लूँ। वेल, टाइम की हम ज़रा इफ़ की क्वेरी तो लगाएं। मैंने कहा कि इफ़ ओटीपी रिकॉर्ड डॉट क्रिएटेड ऑन, ये
एक टाइम होगा। अच्छा MongoDB में जो टाइम सेव होता है वो कैसे सेव होता है? ISO फॉर्मेट में सेव होता है, ठीक है। तो जब मैं इसको कंसोल करवाऊँगा तो मुझे ये ISO फॉर्मेट में मिलेगा, सही है। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसीलिए चीज़ों को कंसोल करवाना चाह रहा था ताकि एग्जैक्टली आपको दिखे कि कैसे हो रहा है बैकग्राउंड में, तो मैं यहाँ पे आके ना क्या करता हूँ, एक दफ़ा अपडेट पासवर्ड हिट करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिख जाए कि इसमें टाइम किस तरह से नज़र आ रहा है, सही है। तो मैं अगर यहाँ पे इसको क्रिएटेड ऑन को जस्ट करवाऊँगा ना कंसोल, तो आप देखेंगे कि आपको किस तरह से मिल रहा होगा। क्रिएटेड ऑन को जस्ट अगर मैंने कंसोल करवाया और मैंने इसको हिट किया तो आप देखेंगे आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। इसको चेक करने का एक तरीका और भी होता है कि आप यहाँ पे क्या लगा दें, टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ करके आप जो भी सामने चीज़ लिखते हैं उसकी ये टाइप बता देता है आपको कि ये स्ट्रिंग है, बूलियन है, ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, ठीक है। तो मैं दोबारा इसको हिट करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे, यार ये तो ऑब्जेक्ट बता रहा है, ये क्या सीन है। वेल ऑब्जेक्ट हो या जो भी हो हमें उससे लेना देना नहीं है, हम इसको मूवमेंट जेएस के ज़रिए हैंडल करेंगे। मूवमेंट जेएस सारे मसले देख लेगा खुद कि उसको क्या करना है। अच्छा मूवमेंट जेएस के ज़रिए मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा, मैं इसको बना दूंगा मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट ऊपर मैंने शायद इसको वो नहीं किया हुआ रिक्वायर, ठीक है। तो पहले तो इंस्टॉल कर लेते हैं एहतियातन npmi मूवमेंट, सही है। और ऊपर जाके उसको क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। सही है, इंपोर्ट मूवमेंट फ्रॉम मूवमेंट, इन्वर्टेड, अच्छा एक कॉमा मिस हो गया यहाँ से, एक अच्छा। तो अच्छा हम मूवमेंट के अंदर टाइम को कंपेयर करना या टाइम को प्रोसेस करना थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि उन्होंने उसके मेथड्स बनाए हुए हैं और वो काफ़ी सारी चीज़ें क्या करते हैं अपने एंड पे हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी मूवमेंट की डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। कॉम्पेयर टाइम, सही है, मूवमेंट को मैंने बोला कॉम्पेयर टू टाइम विथ मूवमेंट जेएस। इज बिफोर एंड टाइम दिस टाइम, अच्छा ये तो फिर लेस देन और ग्रेटर देन कर रहा है हमें, लेकिन ये वाला काम नहीं करना, हमें ये करना है कि अच्छा movementjs.com की ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये कह रहा है भाई आप ऐसे मूवमेंट को टाइम है और टाइम भी दो और आप ए डॉट डिफ लगाओ बी से और आप बता दो डेज में मुझे डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें मिनट्स भी कर सकते हो, सेकंड्स भी कर सकते हो, तो मैं कहता हूँ मिनट्स में मुझे डिफरेंस चाहिए। तो मैं मूवमेंट बनाऊँगा एक अभी वाला राइट नाउ और एक बनाऊँगा उस टाइम वाला और मैं डॉट डिफ करके उसका डिफरेंस निकाल लूँगा कि वो कैसे निकलता है, सही है। आ जाते हैं जी हम, तो मैंने कहा कि यहाँ पे आप क्या करोगे, ओके यहाँ पे आप ये करोगे कि भाई मैंने कहा कि कॉन्स्ट नाउ इक्वल्स टू मोमेंट, सही है। इससे क्या हुआ, अभी का टाइम क्रिएट हो गया राइट नाउ का और मैं बोलूँगा कि भाई ओटीपी क्रिएटेड टाइम और इसको मैं बोल दूंगा कि यार ये मोमेंट क्या है, ये मोमेंट बन जाए ओटीपी रिकॉर्ड डॉट क्रिएटेड ऑन से ये मोमेंट बन जाए, सही है। अब इन दोनों का डिफरेंस मैं कैसे निकालूंगा, मैं करूंगा कॉन्स्ट डिफ इन मिनट्स, ठीक है, और मैं कहूंगा कि नाउ डॉट डिफरेंस और इसको क्या बोलने लगाऊंगा,
क्रिएटेड ऑन, कॉमा डाल के मैं लिख दूंगा कि भाई मुझे मिनट्स में चाहिए ये, मिनट में ऐसा है ना, हाँ है। तो ये डिफरेंस इन मिनट जो है ना मुझे यहाँ पे निकाल के दे देगा और बहुत ईजिली जो है ना इसमें वो सारे मसले जो होते हैं हमारे वो हैंडल हो जाएंगे जो मुझे खुद से देखने पड़ते हैं। अच्छा मैं बोलूँगा कि डिफरेंस इन मिनट जो है वो क्या है, अगर डिफरेंस इन मिनट अगर बड़ा है 5 से, ठीक है, यानी 459 तक ये चलेगा, सॉरी 559 तक, राइट 559 तक ये चलेगा, 6 मिनट जैसे ये 6 हो जाएगा ना फिर नहीं चलेगा ये, तो काइंड ऑफ ये 5 मिनट से कुछ ज़्यादा चल रहा है, तो इसको मुझे ये करना होगा कि जब तक बड़ा है 4 से एक्चुअली, ठीक है, या मुझे इक्वल्स टू लगाना होगा, यहाँ 5 अगर लगाता हूँ तो मुझे, तो अगर ये वाला काम हो जाता है तो यहाँ पे से क्या कर दो, थ्रो करो एक एरर, क्योंकि मैं अब रोकना चाह रहा हूँ ना, मैं अब आगे नहीं भेजना चाह रहा क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा पुराना हो चुका है ये, थ्रो न्यू एरर, ठीक है, और क्या लिखूँगा मैं, ओटीपी एक्सपायर्ड, ठीक है, अच्छा सही है जी, ओटीपी को मैंने एक्सपायर करवा दिया, सही है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं की है मैंने, कोई ऐसी चीज़ जो इसमें रह गई हो, ओला चलते हैं जी, अब देखते हैं चल के कि इसकी क्या रिपोर्ट है, पूरा पीसी हैंग क्यों हो रहा है, अच्छा मैं रिफ़्रेश करता हूँ इस स्क्रीन को, और रिफ़्रेश करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, एक नया OTP जनरेट कर रहा हूँ मैं malik@sysborg.com के लिए, मैंने OTP जनरेट किया, यहाँ पर आके देखता हूँ मैं कि OTP जनरेट हो गया है कि नहीं हो गया, यहाँ पे OTP क्या हो चुका है मेरा, जनरेट हो चुका है, ठीक है, 46092 ये मेरा OTP बना है, मैंने इसको कॉपी किया और ये हैश की सूरत में डेटाबेस में स्टोर हुआ हुआ है, और अब मैं आके क्या करता हूँ इस OTP को यहाँ पर टाइप करता हूँ और नया पासवर्ड डालता हूँ 1234 और अपडेट पासवर्ड का बटन प्रेस करता हूँ, तो ये कैसे हो गया, यहाँ पे ज़रा लॉग्स जो आए उनको हम देख लेते हैं कि क्या आया है लॉग, ठीक है, सबसे तो ये वार्निंग आई है कि collection.update इज डेप्रिसिएटेड, यूज़ अपडेट 1 अपडेट मैनी और बल्क राइट, ठीक है, अच्छा OTP रिकॉर्ड जो डेटाबेस से उठ कर आया है मेरे पास वो कौन सा वाला आया है, वो ये वाला आया है, ठीक है, मैं डेटाबेस में मेक श्योर कर लेता हूँ कि यही सबसे लेटेस्ट रिकॉर्ड है जो मेरे पास था या इससे भी पहले कुछ था मेरे पास, तो मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँगा पहले तो, और रिफ़्रेश करके मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके सबसे लास्ट में चला जाऊँगा, तो सबसे लेटेस्ट जो रिकॉर्ड है उसमें लास्ट में HJY लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि यही HJY जिसमें था ये वही रिकॉर्ड आया है मेरे पास, ठीक है, तो मेरे पास लेटेस्ट रिकॉर्ड उठ कर आया है, इसका मतलब है मेरी क्वेरी जो है बिल्कुल सही लगी हुई है, इज़ यूज्ड इसमें फॉल्स था, ठीक है, और क्रिएटेड ऑन इसके अंदर लिखा हुआ था, उसके बाद डिफरेंस इन मिनट जब मैंने निकाला है तो डिफरेंस इन मिनट इसमें 0 आया है कि कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ये इसी मतलब सेम मिनट में मैंने ये काम किया है, ठीक है, और उसके बाद का कोई लॉग यहाँ पे नहीं है, उसके बाद का जो लॉग है वो एक्चुअली क्या है कि न्यू हैश जनरेट हुआ है और वो हैश यूज़र के पास जाके अपडेट हो चुका है। अच्छा अब मैं दो काम करूँगा, एक तो सेम OTP को मैं दोबारा यूज़ करके देखूँगा कि अब मेरे पास क्या आता है, आया कि मुझे वो रोकता है या नहीं रोकता है, ठीक है, अब मैं सेम OTP है और इसमें एक डिफरेंट पासवर्ड डालता हूँ मैं 123456 और मैं अपडेट पासवर्ड करने की कोशिश करता हूँ, यार ये मुझे अभी भी करने दे दिया इसने, ये क्या बकवास है, अभी डिफरेंस में 2 मिनट आ रहा है और इज़ यूज ट्रू हो चुका है, अच्छा इज़ यूज ट्रू को मैंने हैंडल नहीं किया, यहाँ पे चेक नहीं किया कि इज़ यूज ट्रू है या नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा किसी ना किसी लेवल पे मुझे इसको भी चेक करना पड़ेगा,
क्योंकि डिफरेंस इन मिनट तो अभी भी 5 से कम है, तो सही है उसने मुझे जाने दिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एफ और लगाऊँगा और मैं बोलूँगा कि भाई क्या है ओटीपी रिकॉर्ड, अच्छा ये मुझे ओटीपी रिकॉर्ड डॉट इज ट्रू ना, ये मुझे कहाँ पे लगाना होगा, ये मुझे राइट उस जगह पे लगाना होगा जहाँ पे मुझे ओटीपी रिकॉर्ड मिला है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे आके मैं बोलूँगा, एक्चुअली मैं बोलूँगा भाई ओटीपी रिकॉर्ड डॉट इज यूज्ड क्वेरी में, यहाँ पे इस वाले लेफ में नहीं यार, इसमें अभी असल में मैसेज डिफरेंट है ना। वेल कर सकते हैं अभी तो फिलहाल बेसिक तो करें। अच्छा मैं कहता हूँ इफ़ ओ टी पी रिकॉर्ड डॉट इज यूज अगर है तो यहाँ पे क्या करो, आप थ्रो कर दो एक न्यू एरर, एरर के भाई ठीक है इनवैलिड ओटीपी, सही है। अच्छा हम क्या करते हैं हमेशा ना जो कोशिश करते हैं कि हम ना इनवैलिड ओटीपी बताएं, हम ये नहीं बताएं कि नॉट फाउंड और पीछे मतलब लेट हो गया या एक्सपायर हो गया, हम कोशिश करते हैं हम ये बातें ना बताएं, ठीक है, मतलब फॉर द सेफ साइड। अगर तो आपके पास कोई साइबर सिक्योरिटी की टीम है और वो आपको गाइड कर रही है कि क्या बता सकते हैं आप क्या नहीं बता सकते, तो दैट इज़ बेटर। लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटी की टीम नहीं है, कोई आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आपके केस में क्या बेस्ट है, तो सेफ साइड यही है कि आप उसको कभी भी ये ना बताएं कि ओटीपी में पीछे क्या हो रहा है। आप हमेशा उसको बताएं बस इनवैलिड ओटीपी, नॉट फाउंड नहीं बताएं आप उसको, एक्सपायर्ड नहीं बताएं, यूज नहीं बताएं, आप उसको जस्ट बताएं कि इनवैलिड ओटीपी है, ठीक है। अब वो खुद फिगर आउट कर लेगा कि क्या चक्कर है, ठीक है। तो अदरवाइज इसमें से कुछ चीज़ें वल्नरेबिलिटी भी हो सकती हैं। अच्छा मैं कोई साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, खुद बताते खुद, तो मैं आपको इसमें डिटेल में ये बातें नहीं समझा सकता, ठीक है, वो आपको किसी मतलब फील्ड के बंदे से पूछना होगा। अच्छा वेल, तो मैंने सबसे पहले क्या चेक किया, मैंने चेक किया कि भाई ओटीपी का रिकॉर्ड मिला भी है कि नहीं मिला, सही है। अगर नहीं मिला है तो रोक दिया मैंने, मैंने कहा भाई ओटीपी का रिकॉर्ड इज़ यूज्ड अगर है तो भी मैंने रोक दिया। उसके फौरन बाद मैंने क्या किया, रिकॉर्ड को अपडेट करवा के इज़ यूज़ को ट्रू करवा दिया, ठीक है, इसके फौरन बाद ट्रू करवा दिया, उसके बाद आगे काम किया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, मैंने कहा डिफरेंस अगर 5 से ज़्यादा है, 5 मिनट से, तो क्या कर दो, तो भी रोक दो इसको, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 इफ हो गए, 1 इफ, 2 इफ और ये 3 इफ। अगर इन तीनों में से कोई भी इफ एक ट्रू हो जाता है तो वो उसको आगे नहीं बढ़ने देगा और वहीं से उसको वापस भेज देगा, ठीक है। अबे यहाँ पे भी मैं नीचे आके बोलता हूँ कि इनवैलिड ओटीपी ना, बजाय इसके कि ओटीपी एक्सपायर्ड, मैं इसको इनवैलिड ओटीपी बोलूँगा, ठीक है। और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने मिस की है यहाँ पे भी। हाँ हाँ क्रिएटेड ऑन भी मुझे चेक करना है एक्चुअली, ठीक है। क्रिएटेड ऑन में यहाँ पे चेक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे इस जगह पे मैं कह रहा हूँ नाउ क्रिएटेड ऑन और उन दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूँ मिनट में। नहीं सर, मतलब उसमें डेटाबेस में सारा डिटेल रखाते हैं, क्रिएटेड ऑन भी अपडेट होगा ना, समझा नहीं मतलब पासवर्ड जब चेंज करते हैं वहाँ, हाँ तो वहाँ पे क्रिएटेड ऑन भी चेंज होगा ना, आप बोले तो 90 दिन में चेंज होता है तो चेक भी करना पड़ता है, उसके लिए एक अलग से प्रॉपर्टी रखवा सकते हो। ये तुम्हारा सवाल अगर मैं सही समझाऊँ तो तुम ये कह रहे हो कि यूज़र के मॉडल में जो यूज़र का जो डेटाबेस है मेरा, वहाँ पे भी मैं ये बात सेव कराऊँ कि लास्ट इसका पासवर्ड कब चेंज हुआ है, ये कह रहे हो तुम। हाँ क्रिएटेड ऑन, देखो यूज़र तो क्रिएट हुआ था पहले, जब भी हुआ था जब ही कहीं रहेगा, यूज़र तो अभी क्रिएट नहीं हो रहा ना, अभी तो जैसे उसका पासवर्ड चेंज हो रहा है। तो तुम सही कह रहे हो, ये चीज़ यूज़फुल हो सकती है बहुत सारे केसेस में कि इसने लास्ट अपना पासवर्ड कब चेंज किया है, ठीक है, ये मैं रख सकता हूँ। मे भी मैं जितने पुराने पासवर्ड हैं वो सब रख सकता हूँ, मैं एक एरे बना दूँ यूज़र के डेटा बेस मतलब यूज़र के मॉडल में, जिसमें मैं तमाम पुराने पासवर्ड ना हैश की सूरत में उधर स्टोर कर दूँ, ताकि अगर वो कोई पासवर्ड एंटर करता है वो मेन प्राइमरी पासवर्ड से मैच ना हो ना, तो मैं पुराने पासवर्ड से उसको क्या कर दूँ, मैच करवाऊँ और मैं उसको बता दूँ कि इतने महीने पहले तुम ये चेंज कर चुके हो। तो ये स्टिल जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम अलग स्कीमा नहीं होगा, जस्ट एक यूज़र का जो मॉडल है ना उसके अंदर एक एरे बन जाएगा ओल्ड पासवर्ड्स, और उसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, उसमें तमाम हैश, यानी जैसे ही बंदा अपना पासवर्ड चेंज करेगा तो एग्जिस्टिंग पासवर्ड को रिमूव करके नया पासवर्ड रखने के बजाय मैं क्या करूँगा, एग्जिस्टिंग पासवर्ड को उठा के मूव करवा दूंगा एक एरे में और नया पासवर्ड रख दूंगा उसकी जगह। तो
फेसबुक ये करता है, गूगल भी करता है, बहुत सारे लोग ये करते हैं, यूज़फुल हो सकता है ये बहुत सारे केसेस में, लेकिन स्टिल ये एक हम सिंपल रखना चाह रहे हैं फिलहाल, ताकि कोड ना, क्योंकि अभी देखो इतना सिंपल रखने के बावजूद कितना सारा कॉम्प्लिकेटेड कोड हो गया जी। हाँ एक्चुअली क्या होता है, OTP जब वंस इस्तेमाल हो जाती है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या अप्रोच करते हैं। पुरानी डिलीट हो के नया जनरेट करें, हाँ हाँ है तो ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। नहीं देखो स्टिल मुझे फिर ये तो लगाना पड़ेगा ना कि जो तीन इफ लगाए हैं मैंने, इज यूज्ड क्या इस्तेमाल शुदा है, इस्तेमाल हो गया अगर ठीक है, इज यूज्ड को हटा के मैं ये भी कर सकता हूँ कि डिलीट कर दूँ उसको ठीक है, बट मुझे उससे ये नहीं पता चलेगा कि कितनी बार OTP जनरेट किया इसने ज़िंदगी में। असल में जो एक्चुअल में बात ये ना कि डेटाबेस जब हम बनाते हैं ना, आजकल की जो कंपनीज हैं वो डेटाबेस से कभी भी कोई डेटा डिलीट नहीं करती, OTP तो कभी भी डिलीट नहीं होता आपका, तो OTP कब और कितने बजे आपका जनरेट हुआ है ना वो डेटाबेस में, वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि इज़ यूज्ड उसमें ट्रू हो चुका है, लेकिन वो OTP वहाँ पर रहेगा वो। हाँ अब ये तुमने बहुत अच्छी बात की, रखने का क्या फ़ायदा है, रखने का फ़ायदा ये है कि किसी भी किस्म की जब हैकिंग होती है ना या कोई इंसिडेंट होता है तो ये रिकॉर्ड मुझे काफ़ी हेल्प आउट करता है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे आके कोई बंदा OTP का कुछ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है ना, तो मुझे OTP के कलेक्शन में ना वो नज़र आ जाएगा, मैं इसके ऊपर वॉच भी लगा सकता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा OTP एक अकाउंट से जनरेट हो रही है तो उस अकाउंट को टेम्प्रोरली सीज कर दो, इसकी एक अलग लॉजिक हो सकती है। ये वॉच लगा हुआ होगा अलग से, अलग से क्रॉन जॉब लगी हुई होगी, या एक मैं यहाँ पे वो लगा दूँगा क्या कहते हैं, यहीं पे एक मैं वॉच लगा दूँगा जहाँ पे OTP जनरेट होता है ना, मैं वहाँ पे एक वॉच लगा दूँगा कि आज के दिन में कितनी OTP जनरेट की है इसने, जनरेट करने से पहले जो तुम कह रहे हो डिलीट करके नया जनरेट करूँ, वहाँ पे मैं ये लॉजिक लगा सकता हूँ कि आज के दिन में इसने कितनी OTP जनरेट कर ली है, अगर 5, 6 या 10 OTP जनरेट कर चुका, एक लिमिट सेट कर दूँगा मैं, शायद मैं 50 तक करने दूँ उसको, उसके बाद मैं रोक दूँगा कि बस हो गया भाई अभी बहुत ट्राई कर लिया आपने, समझ रहे हो। तो इस तरह की चीज़ों में ना ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। फिर मिसाल के तौर पे अगर किसी अकाउंट के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो उसका जो पीछे ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि किसी ने OTP जनरेट किया, उससे पासवर्ड अपडेट कर लिया और वो OTP वैनिश हो गया, तो फिर मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि ये कब क्या हुआ। असल में इन चीज़ों का रिकॉर्ड ना बहुत जगहों पर रखा जाता है, यूज़र की अपनी मॉडल के अंदर भी इस चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है कि इसमें कब कब पासवर्ड चेंज हुआ और किस मेथड से हुआ, ठीक है। और यही वजह है कि जैसे गूगल का अकाउंट या कोई भी अकाउंट आपका हैक हो जाता है या कोई इंसिडेंट होता है अकाउंट के साथ, तो आप जब कस्टमर सर्विस से रब्ता करते हैं ना तो वो उसको रिवर्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, बहुत ईजिली उसको रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे कहेंगे कि यार आप वीडियो कॉल पे आओ अभी, अपनी आप आईडी कार्ड दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस हमें स्कैन भेजो अभी, अभी हम आपको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अच्छा रिवर्स क्या करेंगे, वो जो पिछला पासवर्ड था वो रिवर्स करेंगे, कैसे कर लेते हैं वो ये काम, समझ रहे हो। आप उसको बताओगे कि भाई मेरा जो है ना 3 महीने से यही पासवर्ड था, लेकिन आज शाम से ये लॉगिन नहीं हो रहा और अभी बज रहे हैं रात के 12, तो वो जाके फौरन डेटाबेस में देखेगा कि ये कितनी बार चेंज हुआ, और वो फौरन उसको रिवर्स का एक बटन होता है, वो रिवर्स करेगा, वो रिवर्स हो जाएगा। उसकी भी APIs लिखी हुई होती हैं जो एडमिन के लिए अवेलेबल की हुई होती हैं लोगों ने, तो वो इसीलिए ये कर पाते हैं कि उसको दिख रहा होता है। आपसे वो पूछेगा कि यार आपके पास कोई ईमेल आई थी जिस पे आपने क्लिक कर दिया था, कोई ऐसा लिंक तो नहीं आया था आपके पास, SMS वगैरह पे जिस पे क्लिक कर दिया आपने, आप कहेंगे हाँ नहीं, जो भी, उसको दिख रहा होता है किस मेथड से ये चेंज हुआ है, या फॉरगेट पासवर्ड से हुआ है या लॉगिन हो के डैशबोर्ड से हुआ है। अगर तो लॉगिन हो के डैशबोर्ड से चेंज हुआ है ना, इसका मतलब है पुराना पासवर्ड भी आपका वल्नरेबल हो गया है, तो वो क्या करेंगे, वो आपका पासवर्ड जो करंट वाला है ना उसको भी रिमूव कर देंगे, वो कहेंगे आपका कोई पासवर्ड ही नहीं, आप लॉगिन ही नहीं कर सकते, आप जाओ अपने ईमेल पे फॉरगेट पासवर्ड नए सिरे से करो, समझ रहे हो ना बात। अगर तो OTP के जरिए हुआ है तो वो कहेंगे कि यार आपके पास कोई लिंक आया होगा उस पर आपने क्लिक किया, आप कहेंगे हाँ, वो कहेगा कि यार अब नहीं करना, अभी मैं आपका पासवर्ड यहाँ से रिवर्स कर रहा हूँ पुराना वाला, तो वो आप लगाओ और आप कोशिश करो कि पासवर्ड नया चेंज कर लो, जाके कोई सिक्योर पासवर्ड रख लो अगर आपको ज़रूरत लगती है, समझ रहे हो बात। तो इन सारी चीज़ों के लिए ना ये वाला रिकॉर्ड काफ़ी काम के रहते हैं, ख़ास तौर पर हाँ।
ये तुम नहीं नहीं वो भी रिवर्स होगा ना, बैंक्स में तो होगा ना यार, बिल्कुल होगा सर, वो आगे से एक दिन कह सकते हैं, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि आपने खुद अपनी मर्जी से पास किया। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ इसको, इसमें क्या होता है, इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि अगर आप मिसाल के तौर पर कोई बैंक की ऐप है आपकी और आपकी डिवाइस ही चली गई है आपके पास से, ठीक है, और वो डिवाइस का क्योंकि पासवर्ड नहीं था डिवाइस में, तो पहली बात तो ये है कि आपकी कोई सी भी डिवाइस है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई सी भी है, ख़ास तौर पर कंप्यूटर और लैपटॉप या टैबलेट्स की बात हो रही है, तो उसमें आपको ना अगर पासवर्ड का ऑप्शन है उसमें, तो आपने पासवर्ड लगाना उसमें ज़रूर है, चाहे वो ईजी पासवर्ड हो लेकिन आपने लगाना ज़रूर है, ठीक है। उससे बेनिफिट ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर ये लैपटॉप है, मैं कहीं रख के भूल के चला गया, तो कोई भी उसका फ्लैप उठा के ना कुछ भी ना कर दे अंदर, सही है। ऑटो लॉक का ऑप्शन होता है फ़ोन में कि भाई एक मिनट तक एक्टिविटी ना हो तो लॉक हो जाएगा, तो वो ऑप्शन भले वो 40 लगा हुआ हो पासवर्ड, 40 तो बहुत ही ईजी है, पहली ट्राई बंदा वही मारता है, वो नहीं लगाना, मतलब रैंडम पासवर्ड हो कोई भी, ईजी हो भले, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। मिसाल के तौर पर इस कंप्यूटर को अगर ओवर द नेटवर्क कोई एक्सेस करना चाहता है ना, तो उसको इसका पासवर्ड पता होना चाहिए, ओवर द नेटवर्क सीधे तरीके से, उल्टे तरीके से नहीं, सीधे तरीके से, तो उसको इसका पासवर्ड पता होना चाहिए। तो पासवर्ड पहली बार आपकी डिवाइस में होना चाहिए, ताकि आपकी डिवाइस अगर लूज़ भी कर गए हो आप, फौरी तौर पे उसको एक्सेस मिल गया है, लेकिन बहुत देर तक वो एक्सेस रहेगा नहीं उसके पास, वो जैसे ही एक मिनट के लिए छोड़ेगा डिवाइस लॉक हो जाएगी, और वो अनलॉक करने में या तो वाइप होगा डेटा, क्योंकि एक ज़माने में ब्लैकबेरी के फ़ोन में ये फीचर हुआ करता था, अब तो बंद हो गई है गालबन वो कंपनी, तो उसमें ये होता था कि 10 दफ़ा पासवर्ड आपने गलत डाला ना, डेटा वाइप हो जाता था पूरा, है मोटरोला में है ये डेटा वाइप हो जाता है। हाँ जैसे आईफोन में क्या होता है, रिमोटली आप इसको रीसेट कर सकते हैं, रिमोटली मैं एप्पल आईडी खोलूँगा और वहाँ पे मैं बोलूँगा कि मेरा फ़ोन जो है, फ़ोन का नाम आ रहा होता है वहाँ कि ये आपका फ़ोन है, मैं बोलूँगा चेक लगाओ इसको वाइप कर लो, एंड्रॉयड में भी यही है। तो जैसे ही ये फ़ोन जो है ना मेरा इंटरनेट से कनेक्ट होगा जैसे ही, तो वो सिग्नल मिलेगा वाइप हो जाएगा, भले पासवर्ड खुला हुआ बंद हो जो भी हो, किसी भी सोर्स से अगर उसको इंटरनेट मिला ना, तो एक सिग्नल मिलने की देर है वो वाइप हो जाएगा। तो इस तरह के फीचर्स होते हैं डिवाइसेस में, जिससे आप इन चीज़ों से, इस तरह के इंसिडेंट से बच सकते हैं। इंसिडेंट से बचेंगे आप उसी सूरत में जब आपने पहले से उसके लिए प्लानिंग की हुई होगी, ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ऑन अदर हैंड अगर आपके डिवाइस में पासवर्ड भी नहीं लगा हुआ था, कुछ भी नहीं था, आपकी ऐप उसने खोली और खोल के वो यूज़ कर रहा है, उसने पासवर्ड चेंज कर दिया, ठीक है, तो आप स्टिल जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, कोई बैंक है या कोई सोशल नेटवर्क है, उनको आप जब कॉल मिलाएंगे, अगर आप उनके प्रीमियम मेंबर हैं, पहली बात तो ये ज़रूरी है, प्रीमियम मेंबर होना आपका ज़रूरी है, सही है, तो वो फौरी तौर पे आप उनको बोलेंगे ना मेरा अकाउंट लॉक कर दो आप, तो वो आपका अकाउंट लॉक करने में देर नहीं लगाते। मिसाल के तौर पर मैं मीज़ान बैंक वालों को बोलूँगा कि भाई आप, मैं इंजमाम बात कर रहा हूँ और मैं जो मेरी मोबाइल ऐप है वो मुझे लग रहा है कि हैक हो गई है, या मेरा मोबाइल किसी के पास चला गया है, मुझे लग रहा है कि वो मेरे बैंक की ऐप एक्सेस कर लेगा, तो मेरा अपना मोबाइल ऐप क्या कर दें, लॉक कर दें, मोबाइल ऐप मेरी खुले ना, तो वो 2 में बटन दबाएंगे हो जाएगा, ठीक है। जो आपका जो सिम गुम होती है तो आप क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं, कहते हैं यार मेरी सिम गिर गई है, लॉक कर दो उसको, कर देते हैं ना वो। अगर आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड गिर जाता है, आप क्या करते हैं, फ़ोन करके कहते हैं यार बंद कर दो, बंद कर देते हैं। तो इसी तरह मोबाइल ऐप में भी ये काम हो सकता है, लेकिन स्टिल आपका प्रीमियम मेंबर होना ज़रूरी है और उनके पास ऐसा सिस्टम होना ज़रूरी है। प्रीमियम मेंबर मतलब आप कुछ पैसे दे रहे हो उसको, बिल्कुल फ्री वाले हो ना, तो फिर वो इतना घास नहीं डालते, क्योंकि बैंक को आप पैसे पे कर रहे होते हैं एक्चुअली। नहीं, वो आपका पैसा वहाँ रखा हुआ है ना, तो उससे पैसे कमा रहा है ना वो, तो एक्चुअली आप, आपका पैसा रखा हुआ है होना ही आपके प्रीमियम मेंबर होने के लिए ज़रूरी है। बस पैसा कुछ भी होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत भी हो तो वो समझते हैं कि हाँ यार है, अदरवाइज भी बोलेंगे यार आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, मतलब 400-500 बिल्कुल पड़े होंगे ना, तो कहेगा यार 400-500 ही पड़े हुए आपके अकाउंट में, तो सही है, लेकिन स्टिल वो फिर भी मना नहीं करेंगे, ब्लॉक तो वो फिर भी कर देंगे, 400-500 भी हाँ बिल्कुल पता होता है, क्यों नहीं होता, सिस्टम होता है ना, वो देखेगा आपका अकाउंट नंबर, NIC एंटर करेगा, आपका अकाउंट सामने आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, लॉगिन करते हुए आप इज एक्टिव जो लगाया था ना हमने, याद नहीं है, यूज़र के मॉडल के अंदर एक मैं फ्लैग रखूँगा इज एक्टिव,
तो मैं लॉग इन करते हुए चेक करूंगा इज एक्टिव ट्रू होगा जब ही मैं उसको टोकन इशू करूंगा और लॉग इन को आगे करूंगा, वरना मैं रोक दूंगा। इतनी सिंपल सी बात है ना। नहीं पासवर्ड वह तो आप उसको आप वेरीफाई कैसे करोगे वो तो बात अलग है। मॉडल्स में गया मैं, ये मेरा यूजर स्कीमा है ना, इसमें मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं इज एक्टिव रखूँगा एक, सही है ना, इज एक्टिव रखूँगा और मैं कहूँगा टाइप बूलियन है और क्या है ये डिफॉल्ट ट्रू है, डिफॉल्ट ट्रू है, डिफॉल्ट में ट्रू रख दिया आपने इसको। अब जब आप लॉग इन करोगे ना तो आप वहाँ पे पासवर्ड को तो कॉम्पेयर आप करोगे, लेकिन पासवर्ड को कंपेयर करने के साथ साथ आप ये भी करोगे कि इज एक्टिव ट्रू है, तभी आप उसको प्रोसीड फर्दर करोगे। अदरवाइज आप बोलोगे योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड या सस्पेंडेड या एक्स वाई जेड जो भी, ठीक है, इज एक्टिव इज सस्पेंडेड, ये बहुत सारी कीज होती हैं। आप अगर सोशल मीडिया का आप स्कीमा स्टडी करोगे ना कि सोशल मीडिया का जो एग्जाम्पल स्कीमा वो कैसे बनता है, तो इस तरह की 1000 चीज़ें आपको नजर आएंगी उसमें ना, ठीक है। बैंड होता है, ब्लॉक्ड होता है, किसी सर्टन ग्रुप से ब्लॉक हैं आप, किसी सर्टन पेज से ब्लॉक हैं आप, बहुत सारी अपने डेटाबेस से हाथ से जाके उसको फॉल्स कर देंगे आप तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन वो लॉगिन पे चेक भी तो लगा हुआ ना, अभी तो मैं ट्रू फॉल्स करूँ कुछ भी नहीं होगा, अभी राइट नाउ तो कुछ लगा हुआ नहीं है ना लॉगिन पे, ये कंसिडर नहीं किया हुआ इसको मैंने, तो लॉगिन पे इसको कंसिडर हुआ हुआ भी होना ज़रूरी है। अच्छा भाई, तो मैंने और क्या इसमें करना है अभी, ओके हाँ, तो मैंने कहा भाई रिकॉर्ड ढूंढ के लाओ, अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो इनवैलिड ओटीपी, रिकॉर्ड मिल गया तो उसको चेक करो कि इज़ यूज्ड अगर है तो भी इनवैलिड बोल दो, उसके बाद क्या करो अपडेट कर दो, इज़ यूज को ट्रू करवा दो रिगार्डलेस व्हाट आगे जाने से पहले। अच्छा, उसके बाद डिफरेंस चेक करो इसका कि डिफरेंस कहीं पुराना तो नहीं हो गया, अगर डिफरेंस पुराना है तो वापस भेज दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उसके बाद नया हैश बनाओ और इसको सेव करवा दो, सही है। अब इसमें मेरे ख्याल और तो कुछ नहीं बचा है, आते हैं यार अब दोबारा करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको और नए सिरे से एक ओटीपी जनरेट करवाते हैं। नए सिरे से मैंने एक ओटीपी जनरेट करवाया, यहाँ पे मैं आके देखता हूँ ये ओटीपी, ये वाली मुझे मिल गई है, कॉपी कर लिया मैंने इसको, कॉपी करके यहाँ पे ओटीपी को टाइप किया और एक नया पासवर्ड 8989 और अपडेट पासवर्ड, राइट। यहाँ से देखता हूँ मैं पेलोड में 8989 पासवर्ड गया है, ओटीपी गया है और प्रीव्यू में पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मैं आकर देखता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, यहाँ पे एक तो मोंगो की वार्निंग मिल रही है कि भाई इस तरह अपडेट नहीं कॉल करो, अच्छी बात नहीं है ये। उसके अलावा ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है जिसमें इज़ यूज्ड फॉल्स है और क्रिएटेड ऑन में टाइम लिखा हुआ है। आगे जाता हूँ मैं और आगे मुझे क्या मिलता है, डिफरेंस इन मिनट ज़ीरो है और वो उसके बाद कोई लॉग नहीं लगाया मैंने तो वो हो गया। अच्छा, अब सेम ओटीपी को मैं दोबारा यूज़ करूँ तो मुझे रोक देना चाहिए उसको, और मैं दोबारा यूज़ करने की कोशिश करता हूँ तो उसने मुझे रोक दिया, 500 इनवैलिड ओटीपी लिखा आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं आके देखता हूँ क्या हुआ है, सही है, इसने बोला भाई लाइन नंबर 256 के अंदर कुछ एरर आ गया, इसने ये नहीं बताया कि हुआ क्या है, ठीक है। 256 कहाँ पर है, 256 ये रहा, इज यूज्ड जो है वो ट्रू हो चुका है, इसलिए इसने मुझे रोक दिया, इसने बोला भाई दैट्स इट हो गया, ठीक है। बस मेरे ख्याल यही था अभी तो, और इसमें कोई ऐसी चीज़ जो हम करके देख सकें, ईमेल सेंड करना अब हमारा अगला काम है। अच्छा, अब मैं अगर गलत ओटीपी डालता हूँ, ठीक है, उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में भी मुझे इसको रोक देना चाहिए। मैं एक और ओटीपी जनरेट करता हूँ और अब की बार मैं क्या करता हूँ, ये जो इसने ओटीपी दिया ना 83437, मैं इसकी जगह क्या करूँगा, गलत ओटीपी एंटर करूँगा, मैं 7 की जगह 6 एंटर करूँगा और एक नया पासवर्ड डालूंगा मैं 3434 और एंटर, तो इसने मुझे क्या कर दिया, फेल बता दिया, इनवैलिड ओटीपी लिख कर दे दिया। और यहाँ पे एरर किस लाइन में आया है, एरर 273 लाइन नंबर पे आया है और 273 पे हम देखते हैं क्या है, 273 इज मैच जो है क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है, ठीक है, इनवैलिड ओटीपी लिखा हुआ गया। अच्छा, इनवैलिड ओटीपी स्क्रीन पे क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, आई एम नॉट श्योर, स्क्रीन पे नहीं करवाया प्रिंट हमने, ओके गॉट इट। एक्चुअली हुआ ये है कि जो अपडेट पासवर्ड मैं कॉल करता हूँ ना तो उसका जो रिजल्ट तो सेट करवाता हूँ मैं, बट वो 500 की सूरत में इसमें नहीं आता, कैच में चला जाता है, तो कैच में मुझे ये काम कराना होगा, सेट रिजल्ट
और सेट रिजल्ट में मैं क्या लिखूंगा, एरर डॉट रिस्पॉन्स राइट डॉट केयर। देख लेते हैं यहाँ पे कॉन्सोल पे ये आ रहा होता है ना, एरर डॉट मैसेज एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज सही है। तो यहाँ पे मुझे वो मैसेज मिलता है, तो अब इसको मुझे बताना चाहिए कि इनवैलिड ओटीपी है। सही है, मुझे बता रहा है, बताया बताया भाई। ठीक है, ये मैं सेंड ओटीपी में भी ज़रा कर दूँ। सेंड ओटीपी में अगर किसी किस्म का कोई एरर आता है तो यहाँ पे मुझे ये बताया कि भाई ये एरर आ गया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ एक नलिश ऑपरेटर के तौर पर मैं, ताकि अगर कोई एक चीज़ इसको ना मिले तो ये पागल ना हो जाए। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी मैं इंटरनेट से आने वाले रिस्पांस की बात करता हूँ ना, वहाँ पे मुझे नलिश ऑपरेटर लगाना ज़रूरी होता है। कैच में एरर आएगा तो वो थ्रो हो जाएगा, ऐप से बाहर थ्रो हो जाएगा। कैच में बाय द वे अगर एरर आता है ना, तो वो क्या करेगा, वो उस कैच की बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा और वो अपने पेरेंट में कहीं पे कैच तलाश करेगा। अगर उसके पेरेंट में कहीं कैच लगा हुआ होगा तो उसमें अटक जाएगा, अदरवाइज बाउंड ऐप्स की बाउंड्री से बाहर निकल के आपके गूगल क्रोम के कंसोल पे अनकॉच एरर लिखा हुआ आ जाएगा, ऐप क्रैश हो जाएगी वहाँ पर, उसके आगे नहीं चलेगी। फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर ये फिनोमेना है कि अगर आप कि चलती हुई ऐप किसी एक जगह क्रैश होती है तो आगे नहीं चलती, ठीक है, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाई लाइन रीड करता है, लाइन बाई लाइन ही उसको चला रहा होता है। ठीक है जी, हमारा ये फॉरगेट पासवर्ड इस पॉइंट पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब हमने एक चीज़ और करनी है लास्ट, वो लास्ट हमने ये करना है फॉरगेट पासवर्ड करके, जो भी पासवर्ड हम यहाँ से सेट करते हैं उस पासवर्ड से लॉगिन करके हमने नहीं देखा अभी तक कि वो लॉगिन हो भी रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये मैंने एक ओटीपी जनरेट किया दोबारा से और यहाँ पर आके मैं देखता हूँ 99795 ये मेरा ओटीपी है। ठीक है, ये मैंने एंटर किया इधर और न्यू पासवर्ड में डालता हूँ 5656 और मैं यहाँ पे से अपडेट का बटन दबाता हूँ तो ये पासवर्ड क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है मेरा। ठीक है, 5656 ये मेरा नया पासवर्ड है। अब मैं लॉगिन करके चेक करता हूँ कि ये 5656 पे लॉगिन करता है या नहीं करता। ठीक है जी, लॉगिन, ठीक है जी, 5656 पे ये लॉगिन कर चुका है, अपडेट पासवर्ड का बटन भी दबा दिया उसने। ठीक है, 5656 पे ये लॉगिन हो गया, ट्विटर फील्ड भी लेकर आ गया, तो इसका मतलब है कि हमने तकरीबन सारी की सारी चीज़ें वेरीफाई कर ली हैं। अच्छा, अब हमारा जो अगला काम है ना, वो हमने क्या करना है, पोस्ट मार्क को सेटअप करना है। तो इतने कोड को पहले मैं ज़रा भेज देता हूँ गिटहब में, फॉरगेट पासवर्ड कंप्लीटेड। हेलो, वंशलाम।